Okay guys, today we have to start with the OSI model. देखो, मैंने पहले आप लोगों को डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को OSI मॉडल पढ़ाऊंगा, तो जब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे आऊंगा तो TCP हेडर पढ़ाऊंगा, UDP हेडर पढ़ाऊंगा और IDP हेडर, IP हेडर बताऊंगा, है ना। सो आई हैव डिसाइडेड पहले मैं आप लोगों को पूरा OSI मॉडल खत्म करूंगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वर्किंग, देन फिर आप लोगों को TCP हेडर, UDP हेडर और IP हेडर के अलग अलग सेशन दूंगा पूरे। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। OSI मॉडल है क्या चीज? देखो, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब सबसे पहली चीज आती है यार, हम ये मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअल में? ठीक है, क्या रेलेवेंस है उसका नेटवर्किंग से? देखो यार, लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। पहले होता क्या था कि ना, अलग अलग वेंडर्स थे। अलग वेंडर्स का मतलब क्या, अलग अलग कंपनियां थी। सैमसंग थी, डेल थे, लिनोवो थे, ये सारी अलग अलग कंपनीज थी। अभी जितने भी अलग अलग कंपनीज थी, ये सारे अपने अपने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर रही थी ना। ठीक है, जब ये कंपनी अपने अपने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो इन सब का मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ना, वो डिफरेंट था। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो मदर टंग है दैट इज हिंदी, क्लियर। सिमिलरली लेट सपोज गौरव की जो मदर टंग है दैट इज बंगाली, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे बंगाली नहीं आती, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज बंगाली, बंगाली लैंग्वेज, मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज हिंदी लैंग्वेज, राइट। अगर हम दोनों को कोई बोले यार आपस में तुम बात करो, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू हैव कॉन्वर्सेशन? नो। सिमिलरली बैक इन 1970s, 1960s, 1950s, उस टाइम पे होता क्या था, एवरी वन वाज डेवलपिंग देयर डिवाइसेज, राइट। और हर किसी का जो बात करने का तरीका था ना, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एवरी वेंडर इज हैविंग डिफरेंट, दे वर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, देयर डिवाइसेस, इज इट क्लियर। तो होता क्या था, देखो अगर मैं बात करता हूँ, एक मेरा सैमसंग का डिवाइस है, लेट्स सपोज एक सैमसंग का लैपटॉप है मेरा, ठीक है। सैमसंग का लैपटॉप दूसरे ही सैमसंग का कोई लैपटॉप होना, उसके साथ कम्युनिकेशन कर जाता था पहले, बिकॉज देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज सेम। सिमिलरली लेट सपोज मैंने क्या ले लिया, एक मैंने डेल का लैपटॉप ले लिया। अब मैं चाहता हूँ सैमसंग का जो लैपटॉप है वो कम्युनिकेशन करे डेल के साथ, तो पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सैमसंग, तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक, दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से हम आज OSI मॉडल पढ़ रहे हैं। पहली चीज क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखो गाइज मेरे को एक बार बताओ, मेरे पास में लेट्स सपोज एक पीसी है, पीसी में मेरे पास मॉनिटर है, ठीक है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। लेट सपोज मैं बोलता हूँ आपका सिर्फ ना माउस नहीं चल रहा, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप माउस को बदलोगे या पूरा का पूरा सिस्टम बदल दोगे अपना? माउस बदलोगे ना। व्हाई यू आर रिप्लेसिंग योर माउस? जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है द प्रॉब्लम लाइज एट द माउस, तुम्हें ये पता है माउस के एंड से प्रॉब्लम है, तो मैं अपने पूरे सिस्टम को क्यों चेंज करूं? आई कैन रिप्लेस द माउस ओनली, क्लियर। अब तुम ये चीज इसलिए कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम कि किस एंड पे प्रॉब्लम है। OSI मॉडल के आने से पहले क्या था, द नेटवर्क इंजीनियर्स वर नॉट एबल टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स, उन्हें यही नहीं पता चलता था कि प्रॉब्लम आ कहां पे रही है यार। अब जब प्रॉब्लम, अब लेट सपोज मेरे पास ये सिस्टम है या मेरे पास राउटर रखा हुआ है, ठीक है, अब मुझे इश्यूज देखना है, इश्यूज कहां आ रहे हैं। मुझे जब मेरे को यही नहीं समझ में आएगा कि इशू आ किस वजह से रहा है, सो विल यू बी एबल टू रिजॉल्व दैट इशू? नो। ठीक है, अब जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कितने पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम में डिटेक्ट नहीं कर पाते डॉक्टर, यही तो होता है यार, पता ही नहीं चल रहा, सारी रिपोर्ट सही आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन दवाई किस चीज की दोगे आप जब आपको यही नहीं पता चल रहा कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है? समझ में आ रही है? इसी तरीके से बैक इन 1970s, 1960s द नेटवर्क इंजीनियर्स और द इंजीनियर्स वर अनेबल टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स। अब जब प्रॉब्लम ट्रबल शूट नहीं हो पाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, तो होगा क्या, आप क्या कहोगे? यार डिवाइस को बदल दो, डिवाइस तुमसे ठीक होगा नहीं तो क्या करोगे, बदलोगे ना उसको। दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक, समझ में आ रहा है? सो दीज आर द टू रीजंस जिनकी वजह से आज हम OSI मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर द OSI मॉडल? OSI मॉडल आने के बाद हुआ ये कि अब जैसे बोलते हैं ना, जब जब पाप बढ़ता है तब तब मसीहा पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे पाप तो था ही ना यार, दो डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अलग अलग वेंडर्स के नेटवर्क इंजीनियर प्रॉब्लम ट्रबल शूट नहीं कर सकते थे। तो जब जब पाप बढ़ते हैं तब तब मसीहा पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे एक मसीहा आया, दैट मसीहा वाज ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है।
नाउ आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इट गेव ओएसआई मॉडल इन 1970s, 1980, 84। अब देखो मैं इतने सारे ईयर्स क्यों लिख रहा हूँ, कोई सी भी बुक उठा लो, हर एक बुक में एक नया ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। आप हाउ टू मास्टर सीसी ने पढ़ोगे तो 1980s, 1984 मिलेगा। आप टोड लैमले उठा लो, उसमें 1984, 1980 लिखेगा। आप रिचर्ड डेल उठाओ, उसमें 1970 मिलेगा। हर एक बुक का एक अलग कॉन्सेप्ट है ईयर के। अगर आप बात करोगे कि आईएसओ ने एक्चुअल में ओएसआई मॉडल कब दिया, तो मुझे भी नहीं पता कब दिया यार, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब तो, ठीक है। तो अब आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, प्रोबेबली जो आपको मैक्सिमम मिलेगा ना, दैट इज 1984, जो आपको मैक्सिमम मिलता है, तो मैं तो 1984 बोलता हूँ। और हालांकि कोई तुमसे इंटरव्यू में पूछेगा नहीं, लेकिन अगर एक बात करोगे कि आईएसओ ने ओएसआई मॉडल कब दिया, तो हर एक बुक में एक अलग अलग ईयर लिखा हुआ है उसके लिए। क्लियर है, ठीक है। सो आईएसओ गेव द ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल आने से हुआ क्या? हुआ ये कि अब आईएसओ ने ना फतवा जारी कर दिया, क्या, कि तुम सब अलग अलग भाषाओं में बात करते हो, ये खत्म करो, अब सबकी एक ही लैंग्वेज होगी जो कि मैंने बताई है, दैट इज ओएसआई मॉडल। मतलब क्या हुआ, अब आईएसओ ने हर एक कंपनी को ये बोल दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया एक रूल, कि अब सारे डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, दे विल कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ ओएसआई मॉडल ओनली। चाहे वो कोई सा भी वेंडर हो, चाहे वो सैमसंग हो, डेल हो, लिनोवो, कोई सा भी हो, दे विल कम्युनिकेट वाया द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ द ओएसआई मॉडल। बात समझ में आ रही है? तो अब जब सारे वेंडर्स ने एक ही जब जब क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो यूज करेंगे, ठीक है, जब उनके बात करने का तरीका सबका एक हो जाएगा, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वेंडर, चाहे वो लैपटॉप डेल का हो या सैमसंग का हो या लिनोवो का हो, चाहे किसी का भी हो, वो तो आपस में कम्युनिकेट कर ही जाएंगे ना। प्रॉब्लम रिजॉल्व। द सेकंड प्रॉब्लम कि ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे थे। वी हैव डिवाइडेड द ओएसआई मॉडल इनटू द लेयर्स। हमने हर एक लेयर पे एक फंक्शनिंग डिवाइड डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि ना आपके राउटर पे आपको लॉग मैसेज आता है, लॉग आपको राउटर पर मैसेज आता है दैट आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्शन, मान लो ऐसा कुछ आपके पास लॉग मैसेज आता है। अब आपको पता चल गया आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्शन, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क लेयर का इशू है, मेरे को आईपी एड्रेस से रिलेटेड इश्यूज है, तो मुझे उसको पे जाकर रिजोल्व करना है। सो विद यूजिंग द ओएसआई मॉडल यू कम टू नो दैट हाउ योर एक्चुअली डिवाइसेस कम्युनिकेट। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में आपस में कम्युनिकेट करते कैसे हैं, तो जब उनका तुम्हें बिहाइंड द सीन प्रोसेस समझ में आने लगता है, तो तुम उनकी प्रॉब्लम को भी ट्रबल शूट कर देते हो। लेट सपोज यार मेरे को इंग्लिश आती है, लेट सपोज, ठीक है, कोई थोड़ी बहुत गलत इंग्लिश बोलेगा बोलेगा ना, तो मैं, मेरे को पता है कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मेरे को पता है ना, अब कहीं ना कहीं उसके एंड से प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि वो गलत बोल रहा है। इसी तरीके से व्हेन यू लर्न द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कम्युनिकेशन, तो आपको पता चल जाते हैं कि चीजें किस तरीके से आपको रिजोल्व करनी है। अगर मान लो आपके पास इशू आ रहा है पोर्ट नंबर का, मान लो आपके पास इशू आ रहा है पोर्ट नंबर का इशू आ रहा है, तो अब आपको पता है पोर्ट नंबर का इशू, अच्छा ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड है, ये इशू आ रहा होगा प्रोबेबली, क्योंकि कम्युनिकेशन इस बेसिस पे होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सर? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोग ओएसआई मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। क्या हो गया सर, आप बड़े बुझे बुझे से लग रहे हो, आप सब ठीक है सर? देखो ओएसआई मॉडल इज ए सेवन लेयर लॉजिकल मॉडल। अब देखो मैंने ये बोला सेवन लेयर लॉजिकल मॉडल है, अब लॉजिकल का मतलब पता है आपको? हाँ लॉजिकल सर, लॉजिकल, मैं इसको यहाँ पे लॉजिकल मॉडल हम क्यों बोल रहे हैं सर? हियर द मीनिंग ऑफ लॉजिकल इज दैट एक्चुअल में इस ओएसआई मॉडल का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप पूछोगे ना कि क्या आपके डिवाइसेस क्या ओएसआई मॉडल पे बेस्ड है, नो दे आर नॉट बेस्ड ऑन द ओएसआई मॉडल, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन TCP/IP मॉडल, ठीक है। बट फिर भी हम ओएसआई मॉडल क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज ओएसआई मॉडल, लर्निंग द ओएसआई मॉडल इज वेरी इजी एज कंपेयर टू TCP/IP मॉडल। फर्स्ट थिंग, ओएसआई मॉडल पढ़ने के बाद देखो इसको हम लॉजिकल मॉडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। अगर देखा, अगर आप अपने सिस्टम को कभी कभी निकाल के देखो, तो आपको थोड़ी पता है इसकी कौन सी एप्लीकेशन लेयर है, कौन सी नेटवर्क लेयर है, कहीं बंटवारा हुआ हुआ है क्या? नहीं ना हुआ। तो ये सारी चीजें लॉजिक्स है, मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही हम चीजें समझ रहे हैं। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है, लॉजिक्स का मतलब क्या है आप? इसलिए हम बोल रहे हैं दिस इज अ लॉजिकल मॉडल, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, ऐसे आप हाथ लगा के छू के नहीं देख सकते। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल, होल्ड ऑन,
नाउ दिस ओएसआई मॉडल हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवन लेयर्स राइट, एंड द फर्स्ट लेयर इज तुम सारा का तुम सबका नॉन आईटी बैकग्राउंड है, आपका 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 भी सर नॉन आईटी है, आईटी आपका ठीक है। द सेवेंथ लेयर इज एप्लीकेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर इज प्रेजेंटेशन, फिफ्थ लेयर इज सेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, सेकेंड डेटा लिंक एंड द फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर। सो ओएसआई मॉडल इज अ सेवन लेयर लॉजिकल मॉडल, और हमने जो लेयर्स को डिवाइड किया हुआ ऐसे डिवाइड किया हुआ, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा एंड फिजिकल। देखो अब मेक श्योर आपकी जो फर्स्ट लेयर है ना वो फिजिकल लेयर है, नॉट द एप्लीकेशन लेयर, क्लियर है? आपकी आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इस तरीके से चलता है, ठीक है? चलो अब देखो ना, बुक्स में कुछ याद करने के तरीके दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मान लो ये है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, ठीक है, अंग्रेजों वाला तरीका, ठीक है? और बता देता हूं देसी तरीका, देसी तरीका क्या है तुम लोगों को ज्यादा ही पसंद आएगा, गौरव को तो स्पेशली, प्लीज डू नॉट टीज सेक्सी पैमेला एंडरसन। हाँ वो तो मुझे पता है गौरव, अभी तो तुम देखो और खुश होगे। एक और है तरीका याद करने का, देसी तरीका, आज फिर से तू ने दारू पी, ठीक है? सो यू कैन लर्न दीज लेयर्स, जैसे भी तुम्हें समझ में आता है वो लर्न कर लो। तुम्हें क्या करो सर, सेक्सी पैमेला एंडरसन वाला मुझे पता था गौरव। चलो चले आगे, ठीक है? नाउ लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट। देखो अगर हम एप्लीकेशन के लेयर की बात करते हैं ना, क्या क्या काम है, देखो इट एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन यूजर एंड द एक्चुअल एप्लीकेशन। देखो होता क्या यार, I have write this that it is acting as a medium. देखो medium का मतलब क्या है? Somewhere in between two things, right? तो देखो होता क्या है? जो आपकी जो application ले रहे हैं ना, it is acting as an interface. It is acting as an interface between you and your application. देखो होता क्या है? Let's suppose मैंने Google Chrome open किया. It's an application, right? तो जब आपने Google Chrome application आपने open करी, ठीक है? तो देखो आपने ओपन किया एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, आपने ओपन करी गूगल, ठीक है? तो अब गूगल की जितने भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको कन्वे कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपको एप्लीकेशन लेयर कन्वे कर रही है। होता क्या है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, एक्चुअल में क्या होता है, एक सिग्नल जनरेट होकर आपके एप्लीकेशन लेयर पे जाता है और एप्लीकेशन लेयर पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैज बीन ओपन बाय दिस यूजर, क्लियर? अब बहुत एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि ना साइड में ना नोटिफिकेशन आपके पास आती है कि अपडेट माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स आता है लिखा हुआ, अपडेट योर एडोब रीडर। कौन दे रहा है ये इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ मीडियम बिटवीन यूजर एंड द एप्लीकेशन। देखो जो एप्लीकेशन कुछ कहना चाहती है आपसे, ठीक है, वो कौन बताएगा आपको? एप्लीकेशन लेयर इज गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस। अब तुम्हारे पास साइड में नोटिफिकेशन आ जाती है, या लेट सपोज यू आर यूजिंग द एंड्रॉइड फोन्स, आपके पास लिखा आ रहा था अपडेट ऑल दीस थिंग्स, ये सारी एप्लीकेशन को अपडेट करो। क्या एप्लीकेशन खुद चिल्ला चिल्ला के तुमको बोल रही है यार मुझको अपडेट कर लो? नहीं ना। सो दिस एप्लीकेशन लेयर इज कन्वेइंग दिस इन्फॉर्मेशन टू द यूजर कि दिस इज द हाई टाइम, आप ये एप्लीकेशन बोल रही है आपसे, डिमांड कर रही है, मेक दैट पॉसिबल। समझ में आ रही चीजें? इसी तरीके से समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या? इट इज एक्टिंग एज अ मीडियम बिटवीन यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर। देन एप्लीकेशन लेयर टेल्स द यूजर दैट
नेटवर्क इज अवेलेबल मेक यूज ऑफ इट। मतलब क्या है, जैसे होता क्या है, मान लो मेरे सिस्टम पे वाईफाई ऑफ पड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है, जैसे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी नीचे से पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाती है ना, अपडेट कर लो इस चीज को, अपडेट कर लो अपने विंडोज को। इवन आपकी विंडोज की जो अपडेट आती है वो कौन दे रहा है आपको नोटिफिकेशन, दैट इज गिवन बाय द एप्लीकेशन लेयर टू यू, ठीक है, दैट नेटवर्क इज अवेलेबल, एक नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है, इसका यूज कर लो यार, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, आपका ना, आप क्या कहते हैं, आपके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, आपका याहू मैसेंजर डाउन पड़ा हुआ है बिल्कुल, आप जैसे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी आपका याहू मैसेंजर एकदम से अप आ जाता है, आप खोल के देख लेना कभी याहू मैसेंजर को यूज किया हो तो। अब आपको इन्फॉर्मेशन किसने बताई, आपको उस एप्लीकेशन लेयर ने इन्फॉर्मेशन दी दैट यू हैव गॉट द इंटरनेट कनेक्टिविटी, यू हैव गॉट अ नेटवर्क, नाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन नाउ, ठीक है। एंड इवन दिस एप्लीकेशन लेयर डिसाइड्स वेदर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज इंटरनेट बेस्ड और नॉट। अब एक बार बताओ, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट खोलते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दीज आर एप्लीकेशंस राइट, आर दीज बेस्ड ऑन इंटरनेट? नो। किसने डिसाइड किया, तुमने, मैंने, या मैं एक बार बताओ, जिसने एप्लीकेशन डेवलप करी होगी उसने डिसाइड किया, लेकिन उसने जब डिसाइड किया तो वो किसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमें दिलवा रहा है, यूजिंग द एप्लीकेशन लेयर। अब गूगल क्रोम है, आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन होने के बाद कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, लिखा रहा था इंटरनेट कनेक्शन नॉट अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ने दी ना आपको, लेकिन वाया किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर ने उस यूजर को कन्वे करा कि दैट दिस इंफॉर्मेशन, दिस दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज इंटरनेट बेस्ड, यू कैन नॉट रन इट विदाउट द यूज ऑफ नेटवर्क्स, तो यू शुड हैव दैट नेटवर्क, तब आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, समझ में आ रही चीज है, एप्लीकेशन लेयर का क्या क्या काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो जब भी समराइज करें, तो कभी जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन ओपन होगी That information is conveyed to the application layer. Now this application layer decides. आपने Google Chrome ओपन किया, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, आपका Yahoo Messenger खुला हुआ, कनेक्टिविटी नहीं है। Now this application layer will tell the user कि यार ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये इंटरनेट बेस्ड है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट अवेलेबल, Yahoo Messenger डाउन पड़ा हुआ है, कौन बता रहा है, एप्लीकेशन लेयर बता रही है। वंस यू गेट द कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन लेयर एकदम से आपको चिल्ला के बताती है, कन्वे करती है दैट नेटवर्क इज अवेलेबल, यूज कर लो यार इसको। नाउ यू कैन अपडेट योर एंटीवायरसेस, यू कैन अपडेट योर सॉफ्टवेयर, यू कैन अपडेट योर एप्लीकेशंस, यू कैन यूज दोस एप्लीकेशंस, कौन बता रहा है, एप्लीकेशन लेयर आपको बता रही है। क्लियर होगी सारी चीजें, नाउ कीप दिस थिंग माइंड, यू डू नॉट हैव एनी वर्क ऑन द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे एक नेटवर्क इंजीनियर का कोई काम नहीं है, द वर्क डन ऑन एप्लीकेशन इज परफॉर्म बाय द एप्लीकेशन डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, दोज आर स्पेशली प्रोग्रामर्स, आपके जो प्रोग्रामर्स है ना वो आपके वो सारे एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, वो सारे सारे आपकी एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं। देखो गूगल क्रोम है, इट इज बेस्ड ऑन सम लैंग्वेज, ठीक है, आपकी फेसबुक है, लैंग्वेज पे बेस्ड है, फेसबुक की एप्लीकेशन लैंग्वेज बेस्ड है, सारी चीजें आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है बिना लैंग्वेज के बन रही है, नहीं ना। सो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो आपके एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है। अब ये देखो होता क्या है कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि दैट एप्लीकेशन लेयर डिसाइड्स दैट दिस एप्लीकेशन इज इंटरनेट बेस्ड और नॉट, है ना। अब देखो होता क्या है, लेट सपोज कि ना आपने गूगल क्रोम खोला, इट्स एन एप्लीकेशन, तो जैसे ही आपने गूगल क्रोम खोला इन्फॉर्मेशन किसके पास गई, एप्लीकेशन लेयर के पास, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो गूगल क्रोम ने आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल, तो आपको पता चल गया दिस एप्लीकेशन इज इंटरनेट बेस्ड, राइट। कई बार जैसे आप अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद वो क्या बोलता है कि नेटवर्क कनेक्शन नॉट अवेलेबल, क्यों बोलता है वो, क्योंकि वो आपको तो नहीं पता चला ना, जब आप डाउनलोड कर रहे थे आपको थोड़ी पता था यार ये एप्लीकेशन इंटरनेट पे चलेगी प्योरली, लेकिन कोई तो कन्वे करेगा ना आपको, दैट इज एप्लीकेशन लेयर ऑफ योर फोन, इज इट क्लियर। उसके बाद देखो आपने गूगल क्रोम ओपन किया, देखो बहुत आराम से सारी चीजें समझा रहा हूँ, लेट सपोज आपको ना फेसबुक रन करना है, facebook.com, ठीक है, लेट सपोज आपको इधर ना आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है, ठीक है, जो भी अच्छी मूवी तुम्हारे दिमाग में चलती है गौरव, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब एक टर्म होता है प्रोटोकॉल, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में इस चीज को समझोगे ना दैट व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स,
ठीक है, अगर टेक्निकल टर्म्स में हम बात करेंगे आईटी में, लेकिन यार इसको ऐसे छोड़ दो, आप इसको ऐसे समझो दैट मेरा और आप लोगों का, मैं अभी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग इन द हिंदी लैंग्वेज, राइट? तो मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो चलो हिंदी है, बट देर आर सम प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू दिस कम्युनिकेशन। मतलब ये जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, हम आप लोग डिवाइसेस, मैं डिवाइस, हम लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन देर आर सम प्रोटोकॉल, देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। कैसे? मैं तू करके बात नहीं करूंगा आप लोगों से, मैं अब्यूजिव वर्ड को यूज नहीं करूंगा इस सेशन में, करूंगा नहीं ना। सो देर आर सम रूल्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइसेस। सिमिलरली जब आपके एप्लीकेशंस, ठीक है, दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला या यहाँ पे मैंने फेसबुक मैसेंजर खोला, तो मेरा दोस्त है, उसने भी फेसबुक मैसेंजर खोल रखा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। नाउ हाउ दीज एप्लीकेशंस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, दे हैव टू फॉलो देम, एंड दोज रूल्स आर प्रोटोकॉल्स। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब एप्लीकेशन लेयर पे ना, देखो हम ना कुछ जनरल से जो प्रोटोकॉल है वो डिस्कस करते हैं। देखो देर इज अ प्रोटोकॉल HTTPS, एक प्रोटोकॉल है आपका HTTP विच इज ऑल्सो जनरलाइज एज WWW, देर इज अ प्रोटोकॉल FTP, देर इज अ प्रोटोकॉल DNS। मैं इन चार प्रोटोकॉल्स का जिक्र करता हूँ क्योंकि ये तुम्हें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, एट दिस स्टेज। देखो होता क्या है ना, एप्लीकेशन लेयर पे ये चीज ना ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जब कम्युनिकेट करेगी किसी और डिवाइस पे, ठीक है, तो वो ये प्रोटोकॉल यूज करेगी। मतलब जो रूल्स होंगे ना वो ये फॉलो करेगी कम्युनिकेशन करते वक्त। वो आप तो नहीं बता, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, ये मेरा हो गया गूगल क्रोम ओपन, ठीक। अब मैंने ना यहाँ पे ओपन करा, अब मैंने लिखा बस facebook.com, राइट? तुमने कभी नोटिस करा होगा HTTPS अपने आप आगे लगा रहता है, लिखा आता है। अब एक बार बताओ क्या तुम लिखते हो कभी HTTPS आगे? आज तक तुमने लिखा है? नहीं ना लिखा। अब ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है कि ये पर्टिकुलर आप जब लिंक एक्सेस करना चाहते हो तो आप किसके थ्रू करोगे, आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू करोगे HTTPS के। ये आप तो नहीं बता रहे, मैं भी नहीं बता रहा, गूगल क्रोम को भी नहीं पता। कौन बता रहा है? एप्लीकेशन लेयर बता रही है दैट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आप ये काम करना चाह रहे हो वो आप इस प्रोटोकॉल से करोगे। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा और बता रहा हूं। देखो HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, और आपकी जो HTTP दैट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहां पे सिक्योर नहीं लगा हुआ आगे। WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ठीक है गाइज, जब आपको फेसबुक यूज करना है तो जो एप्लीकेशन डेवलपर है ना उसने बोल दिया, जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करेगा, देखो जब एप्लीकेशन डेवलपर ऐप डेवलप करता है ना तो साथ के साथ बताता है कि जब कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में, एक इधर फेसबुक मैसेंजर है, एक उधर फेसबुक मैसेंजर है, इनका जब आपस में कम्युनिकेशन होगा तो HTTP से मैं कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम द ऐप डेवलपर, आई हैव डिसाइडेड दैट थिंग। क्लियर? अब तुम लोगों को कैसे पता? नहीं पता ना। तो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना आपके सिस्टम्स में, उन पे सारे प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो जब ऐप डेवलपर वो इंफॉर्मेशन जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो साथ के साथ वो इंफॉर्मेशन भी वो एप्लीकेशन लेयर ले लेती है कि जब कम्युनिकेशन कराना है इस एप्लीकेशन का तो मेरे को क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करना है, उनकी लैंग्वेज में लिखी होती है सारी चीजें, एल्गोरिदम्स वगैरह जो हम कहते हैं ना लैंग्वेज, जब वो प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो उसमें सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं वो चीज। क्लियर? अब हम लोग तो नहीं करते ना वो चीजें। तो जब आप लोगों ने फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, कुछ भी खोला, तो HTTPS अपने आप लगता है। अब आप तो नहीं बता रहे, कौन बता रहा है? एप्लीकेशन लेयर बता रही है किसको? गूगल क्रोम को, कि ये लिंक ओपन करना है, HTTPS लगा दो आगे। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, अब HTTPS जैसे देखा जाए किस लिए यूज हो रही है, एक्चुअल में हम बात करें वेब सर्फिंग या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब पता है ना, वेलापंती कर रहे हो, बस चीजों को आप डाउनलोड कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, ठीक है, ना ही आप अपलोड कर रहे हो ना, दैट इज सर्फिंग, ठीक है, क्लियर है इट इज। अब जब आप इंटरनेट सर्फ करना चाहते हो, यूट्यूब क्या कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो, वेब फेसबुक याहू सर्फ कर रहे हो, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? HTTPS। एप्लीकेशन लेयर ने बताया इसी तरीके से, लेट सपोज मूवी डाउनलोड करनी है, ठीक है, आपका ये प्रोटोकॉल काम करता है उस केस में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप कुछ भी डाउनलोड करते हो। अब एक बात बताओ, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आप ना मूवी डाउनलोड करना चाहते हो लेकिन वो HTTPS से खुलता जाए बार बार, तो क्या होगा? मूवी डाउनलोड होगी? होगी नहीं, बार बार एक नया लिंक खुलता चले जाएगा,
यही होगा हर बार। देखो कई बार मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कई बार ना तुम लोगों ने, स्पेशली फोन्स में बात करता हूँ, फोन्स में होता क्या है, कई बार ना लिखा होता है डाउनलोड, लिखा डाउनलोड है लेकिन वो तुम्हें दूसरे लिंक पे ले जाता है हाँ करता रहता है ना, वो दूसरे लिंक पे ले जाता है। एक्चुअल में ना वो उन्होंने लिखा जरूर डाउनलोड होता है लेकिन वो डाउनलोड कुछ नहीं होता उसमें क्या होता है, उसमें वो दूसरे का लिंक डाल देते हैं, HTTPS लगा दिया उसमें, तो HTTPS लगा दिया तो वो डाउनलोड थोड़ी करेगा, वो तो वेब सर्फिंग करवा देगा तुम्हें, अब दूसरे लिंक पे ले जाएगा। बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट किस तरीके से चीजें बन कर रही है। इसी तरीके से आप YouTube पर डाउनलोड करते हो कोई चीजें, ठीक है, Facebook से वीडियो डाउनलोड कर, जब आप व्हेन यू आर डाउनलोडिंग समथिंग इट मींस द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज वर्किंग, ठीक है, टू डाउनलोड द थिंग्स। अब अगर देखा जाए आप डाउनलोड करना चाहते हो, आपने क्या कभी भी एक बार भी अपने किसी एप्लीकेशन को बताया भाई FTP यूज करियो डाउनलोड के लिए? नहीं ना बताया, कौन कर रहा है, एप्लीकेशन ले रही है अपने आप बता रही है। इसी तरीके से DNS है, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम, सर्वर ले लो सर्विस ले लो, ठीक है। देखो अगर आप सर्विस लोगे तो वो पर्टिकुलरली, देखो सर्वर लोगे तो पर्टिकुलरली DNS के लिए हो गया, सर्विस में मतलब क्लाइंट और सर्वर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ सर्वर लिखोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ मैं सर्वर की इन्फॉर्मेशन बात कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन अगर मैं सर्विस लिख रहा हूँ तो इट मीन्स मैंने क्लाइंट को भी कंसिडर कर लिया। अब होता क्या है, डोमेन नेम सर्विस क्या, तुम लोग समझ लो। देखो होता क्या है, अभी तुम लोगों को मैंने IP एड्रेसेस पढ़ाया, एक बात बताओ facebook.com में आप लिखते हो, youtube.com लिखते हो, एक बात बताता हूँ यार, एक्चुअल में ना ये ना एक IP एड्रेसेस है, ये क्या है एक्चुअल में IP एड्रेसेस। तो देखो होता क्या है, मान मैं ये अज्यूम करता हूँ जो facebook.com है ना, इसका IP एड्रेस है 65.7.1.1, ठीक है। तो ये जो facebook.com लिखा है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, टेक्निकल टर्म में इट्स अ डोमेन नेम, ये इस IP एड्रेस का डोमेन नेम ये है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं गौरव, मैं आपसे बोलता हूँ यार आप घर जाके ना वेबसाइट ओपन करना 65.73.82.82.1, फिर मैं बोलूं उसके बाद ना थोड़ी देर बाद सर्फ करना 86.72.90.99.1, एक बात बताओ नंबर्स याद करना आसान है या नेम? नेम ना, फेसबुक यूट्यूब बोलना ज्यादा आसान है ना, दैट इज व्हाई हम लोगों ने अपने इसके लिए क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ सर्विस कॉल्ड डोमेन नेम सर्विस। अब उसमें हम कर क्या रहे हैं, देखो एक्चुअल में है क्या, ये जितनी भी वेबसाइट्स है ना दे हैव एन IP एड्रेस। अब आपको IP एड्रेस तो सबके याद रहेंगे नहीं, सो हमने क्या करा, वी हैव इवॉल्व्ड अ मेथड ऑफ डोमेन नेम सर्विस। तो हमने क्या करा, हमने एक ना डोमेन नेम सर्वर बना दिया, DNS सर्वर बना दिया, और सर्वर पे हमने क्या करा, हमने सर्वर पे ना मैपिंग कर दी किसकी, IP एड्रेस की डोमेन नेम के साथ। ये क्या हो गया IP एड्रेस, ये क्या हो गया डोमेन नेम। तो मैंने ना DNS सर्वर पे इंफॉर्मेशन डाल दी facebook.com is having the IP address as 65.7.1.1, ठीक है। सिमिलरली मैंने डाल दिया youtube.com is having the IP address as 66.7.1.1। अब जब आपने अपने सिस्टम पे क्या लिखा, facebook.com, आपके सिस्टम को थोड़ी पता क्या है इसका 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 IP address क्या, नहीं पता। अब पता क्या होता है, लेट सपोज जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं किससे कनेक्टेड हूं, अपने वाईफाई राउटर से, और मेरे वाईफाई राउटर के पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है वो कहां से आ रही है, पीछे एयरटेल से। अब एयरटेल ने अपना DNS सर्वर लगा रखा होगा यहां पे गारंटेड। अब होगा क्या, तुमने यहाँ पे लिखा facebook.com, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, मेरे राउटर पे गया वो DNS, क्या गई DNS रिक्वेस्ट गई, वो रिक्वेस्ट गई, देखो आपने लिखा facebook.com, देखो आपने अपने गूगल क्रोम पे लिखा facebook.com, अब आपके क्रोम को नहीं पता कि क्या वेबसाइट है, क्या इसका IP एड्रेस है, तो वो क्या करेगा, अब आपके एप्लीकेशन दिस गूगल क्रोम इज एक्चुअली गोइंग टू जनरेट एन DNS रिक्वेस्ट, ठीक है। DNS रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो कहां पे जाएगी, मेरे वाईफाई राउटर पे, वाईफाई राउटर से गई एयरटेल के DNS सर्वर पे, DNS सर्वर ने उसको, DNS सर्वर पे जब गई उसने पूछा कि यार ये बताओ facebook.com का IP एड्रेस क्या है, जब ये रिप्लाई करेगा वाईफाई राउटर को, वाईफाई राउटर से आपके पास रिप्लाई आएगा, तब जाके वो वेबसाइट ओपन होगी। कई बार आपने देखा होगा कि ना आपको ना कई बार ये लॉग मैसेज आता है, आपकी कोई वेबसाइट नहीं खुलती, DNS क्वेरी इज नॉट रिजॉल्व लिखा आता है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम को उसका उस वेबसाइट का IP एड्रेस ही नहीं मिल पाया। अब नहीं मिल पाया तो क्या होगा, वेबसाइट थोड़ी होगी। कई बार आपके पास लॉग मैसेज में आता है DNS क्वेरी इज नॉट रिजॉल्व, उसके पीछे लॉजिक पता चला क्या है कि आपके सर्वर से, या तो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट नहीं पहुंची, जब पहुंची नहीं तो रिप्लाई नहीं आया, सर्वर से रिप्लाई नहीं आया कि इस डोमेन नेम का या facebook.com का IP एड्रेस क्या है, तो खुलेगी कहां से वेबसाइट, जो भी रीजन हो सर, जो भी रीजन हो, समझ रहे हो आप, तो मैं वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर है। अब अगर मान लो, अब तुम्हें DNS का थोड़ा सा फंडामेंटल समझ में आया, अब अगर तुम्हारे सामने DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व आ गया, अगर तुमने OSI मॉडल ना पढ़ा होता, ये सारी चीजें ना पढ़ी होती, इसे साइड रख दो, तो तुम्हें क्या पता चलता कहां पे दिक्कत आ रही है, पता चलता, दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग OSI मॉडल, क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेयर।
तुम्हारा इस पे कोई काम नहीं है, जो मेरे को बतानी चाहिए थी वो। अब एक चीज और बताया तो इसके साथ साथ आगे डिस्कस कर, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर पे सारी एप्लीकेशन, सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं, और ये भी डिफाइन होता है कि यार ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो कौन डिफाइन कर देता है? ऐप डेवलपर, वो डिफाइन कर देता है कि ये एप्लीकेशन मेरी इस प्रोटोकॉल से होगी। अगर मान लो आपको डाउनलोड, आपकी एप्लीकेशन है उस पर डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन है, अपलोडिंग का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, तो जब आप ये काम करना चाहते हो तो कौन से प्रोटोकॉल से होगा, वो एप्लीकेशन लेयर ही बता रही होती है। क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है यार, जरा मेरे को 1 मिनट दे दो यार, मैं चाय पी लूँ। चलो, वी आर डन विद द एप्लीकेशन ठीक लेयर। है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन लेयर। एक बहुत ही मजे की बात, इस लेयर पे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? ऐप डेवलपर का। भाई एप्लीकेशन किस तरीके से उसे प्रेजेंट करनी है, उसने मान लो एमपी, उसने वीएलसी मेडर प्लेयर किसी ने बनाया ही है, अब वो क्या फॉर्मेट यूज कर रहा है उस डेटा को आपको दिखाने के लिए, ठीक है? MP3 है फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक है, MP3 फॉर्मेट में आपके पास आता है ये चीजें? सॉरी, तो देखो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, एज द नेम सजेस्ट इट होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट द डेटा टू यूजर, ठीक है? अब देखो होता क्या है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपने ना कीबोर्ड से इनपुट किया, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टेक्स्ट तो लिखोगे, आपने इनपुट कर रहे हो किससे, कीबोर्ड से। अब क्या कीबोर्ड आपको, जब आपने लिखा लेट सपोज हाई, आपने इतना लिखा तो क्या गाने में सुनाई देता है आपको? नहीं ना, आपको रिटर्न में लिखा आता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो कौन सी इंफॉर्मेशन जब यूजर ने इनपुट करी है या किसी और यूजर ने भेजी है आपको और वो आपके पास आ रही है, आपको किस फॉर्मेट में आपको दिखानी है, दैट वर्क इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ना मैंने फेसबुक मैसेंजर में यूज कर रहा हूँ, ठीक है? अब फेसबुक मैसेंजर पे आपने लिखा अपने किसी फ्रेंड को हाय, अब आपका फ्रेंड है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन गई, उसके चैट पे नोटिफिकेशन आ जाएगी एकदम से, एक हाई मैसेज किसने किया, आपका नाम आ जाएगा, आ जाएगा। अब नाउ आपके एंड से इन्फॉर्मेशन गई, इस एंड पे इन्फॉर्मेशन गई, अब वो मान लो अमेरिका में बैठा हुआ, आप इंडिया में, उसके पास तो नोटिफिकेशन जो आएगी वो हाई रिटर्न में ही लिखा हुआ आएगा ना, क्योंकि आपने इनपुट, वैसे आपने भी इन्फॉर्मेशन जो दी रिटर्न में, दी टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्या उसके पास गाना थोड़ी बनने लग जाएगा हाई नाम का? नहीं ना। सो विच इंफॉर्मेशन, विच डेटा हैज टू बी रिप्रेजेंट इन विच फॉर्मेट, दैट वर्क इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है? अब देखो होता क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ना कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट्स क्या है, जैसे आप लोगों को टेक्स्ट है, जब टेक्स्ट, जब भी आपके सिस्टम को टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना होता है, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द अस्काई फॉर्मेट, ठीक है? अब अस्काई की यार फुल फॉर्म मेरे को भी याद नहीं आ रही है, अमेरिकन, मतलब ऐसे करके यार अमेरिकन स्टैंडर्ड करके कुछ है इसकी, पूरा इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है? इस फॉर्मेट में आपको जब भी रिप्रेजेंट होता है टेक्स्ट, तो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा, इमेज समझ में आ जाएगा। जब आप लोग इमेज डाउनलोड करते हो क्या फॉर्मेट आता है? जेपीईजी आता है, आता है ना? तो अब जेपीईजी, अब आपकी इमेज खुलेगी वो जेपीईजी में ही खुलेगी, ठीक है? अस्काई यूज नहीं होगा उसके लिए, MP3 यूज नहीं होगा, MP4 यूज नहीं होगा। कौन बता रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर बता रही है किसको? उस एप्लीकेशन को बता रही है कि आपको जब ये डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है चीजें? ठीक है, इसी तरीके से आपके पास वीडियोस है, वीडियोस के लिए एक आपके पास क्या क्या फॉर्मेट है, MKV है, ठीक है, MP4 है, ठीक है, ट्रैक है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास नहीं नहीं यार, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो, ऑडियो के लिए अब आपके पास अभी तक आपके पास MP3 था, वो भी अब ओमिट होने वाला है जल्दी मार्केट से, सुना तो होगी तुम लोगों ने, MP3 फॉर्मेट मार्केट से चला जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, प्रोबेबली एक नया फॉर्मेट आ गया कोई, अब म्यूजिक अब उस पर चलेंगे। हाँ सर, कर लेना गूगल, कर लेना ये चीज। तो अभी तक तो आपके पास यही फॉर्मेट है, तो अब कौन से, देखो अब आपने, मैंने आपको गाना भेजा व्हाट्सएप पे, आपके पास तो गाना ही भेजेगा, टेक्स्ट में थोड़ी लिखा हुआ आएगा, समझ में आ रही चीजें? तो कौन सा डेटा किस तरीके से यूजर को रिप्रेजेंट करना है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रेजेंटेशन लेयर। किसको? एप्लीकेशन लेयर को, वो बताएगी कि तुमने ये डेटा इस तरीके से दिखाना है, तब वो आपको वैसे दिखाई जाएगी। कौन दिखाएगी? दिखाएगी एट द एंड एप्लीकेशन, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। क्लियर है? इस लेयर पे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझ में आ रही है?
कि भाई अब कौन ये डेटा किस तरीके से दिखाना है, ये भी तुम्हारा काम नहीं है, एप्लीकेशन डेवलपर का काम है। ठीक है, अब एक चीज और, हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग लाइक कंप्रेशन और डीकंप्रेशन, क्या होता है बताओगे यार आप लोग? फाइल को शॉर्टेज में जितना पॉसिबल हो सकता है वो करते हैं। हाँ, कंप्रेशन तो सर वही कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ, सही है यार। शॉर्टेज हाँ, और को डीकंप्रेशन? इनलार्ज कर देते हाँ देखो, लेट सपोज व्हेन यू आर यूजिंग, व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग लाइक एनी सॉफ्टवेयर, जैसे आपको फाइल कंप्रेस करनी होती है, ठीक है, तो अब आप डेटा को क्या कर रहे हो, एक्चुअल में कंप्रेस ही तो कर रहे हो, हैं। है ना? तो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो दैट वर्क इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, कभी भी आपका जब डेटा कंप्रेस होता है, ठीक है, या फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो, सो दैट वर्क इज हैज बीन डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर ऑन द सेम मॉडल ऑफ योर सिस्टम। क्लियर? अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, facebook.com है, आप लोगों की सबकी अपनी अपनी प्रोफाइल है। जब तुम लोगों की अपनी अपनी प्रोफाइल है, एक बार बताओ, तुम्हारे दुनिया भर के तुम्हारे मैसेजेस होंगे, है ना, फेसबुक मैसेज या इनबॉक्स में आपके, आपकी कितनी फोटोज अपलोडेड होंगी, आपके कितने सारे स्टेटस अपलोड होंगे, मतलब आपकी खुद की इंफॉर्मेशन कितनी सारी है, वो एक बार बताओ। आर यू पेइंग समथिंग टू facebook.com टू गेट दो सर्विसेज? फेसबुक नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अब सुन लो, इस दुनिया में जो भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो जो भी चीज मिल रही है ना, वो आपकी एक्चुअल फॉर्म में नहीं हो रही, वो आपकी कंप्रेस फॉर्म में जाके स्टोर हो रही है। एक बार बताओ, facebook.com है, इतना सारा उनका अपने फेसबुक का अपना डेटा सेंटर है, उन डेटा सेंटर्स में आप लोगों का डेटा ही तो स्टोर है। अब वो करते क्या है, वो आप लोगों का डेटा को ना कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करके अपने उसमें स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द गूगल ड्राइव, 15 GB फ्री होता है, आप अपने जीमेल पे खोल के देख लेना, 15 GB तक फ्री अपलोड कर लो। उसके बाद इफ यू वांट टू गेन द सर्विसेज मोर, आपको और स्पेस चाहिए, प्लीज पे फॉर इट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जैसे फेसबुक हो गया, जैसे फेसबुक हो गया या आपकी गूगल हो गई, ये आपके सारा डेटा सेंटर में स्टोर कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली दे आर स्टोरिंग योर डेटा इन द कंप्रेस फॉर्म है। क्लाउड है, क्लाउड पेड सर्विसेज है ना, क्लाउड पेड सर्विसेज है ना। अब वो क्या है, अब वो आपका डेटा कंप्रेस नहीं करेंगे, वो आपका उसी साइज में कंप्रेस, उसी साइज में रहने देंगे। कंप्रेस कर दिया मतलब क्वालिटी घट गई यार, कंप्रेस करने का मतलब है क्वालिटी सीधा सीधा घट गई उसकी। और देखो आप लोगों ने इसका एक ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपने फोन पे जब फोटोज खींचते होगे, उनका साइज होता है 1 MB, 1.5 MB, 3 MB, आज की डेट में व्हाट्सएप पे भेजो जरा उसी साइज में, 400 KB, 257 KB, 200 KB, यही साइज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही सारी चीजें, व्हाट्सएप चार्ज कर रहा है आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट। जब चीजें होंगी ना तो कंप्रेस होंगी। क्यों? देखो कंप्रेस के पीछे लॉजिक क्या है यार, देखो सीधा सीधा लॉजिक है। लेट सपोज, देखो मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा एक लिंक है, और इसकी स्पीड ना, इसकी स्पीड है 10 MBPS की, मेरी बैंडविड्थ है 10 MBPS की। अब मेरी बात समझो, अब माना अगर मान लो मेरा जो डेटा है ना वो है 4 4 MB के मेरा डेटा है, ठीक है, अब 4 4 MB के दो डेटा इसमें एक साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। अगर मैं उसी डेटा को मैं और कंप्रेस कर दूं, साइज कर दूं 2 MBPS, दो एमबी का कंप्रेस कर दूं, तो आप कितने जाएंगे, 5 चले जाएंगे एक साथ। डेटा स्टोर करने में भी मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मेरी बैंडविड्थ भी कम यूज हो रही है ना, देखा जाए तो अब आपकी बैंडविड्थ भी तो सेव हो रही है। होता क्या है, आप लोग फोन में अपना, आप लोगों ने रिचार्ज करा रखा है 100 MB का, आप एक तरफ कोई एप्लीकेशन खोल रहे हो, एक तरफ कोई एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन आपका डेटा यूज कर ही रही है ना, सक कर रही है आपका सारा का सारा डेटा। ठीक है, इसी तरीके से अब जब आपकी, देखो अब व्हाट्सएप क्या है, देखो व्हाट्सएप फ्री फीचर है आपका जब, लेकिन आपकी तरफ से जब आप डेटा शेयरिंग करोगे ना, तो वो क्या करता है, आपके जो साइज वो आपकी जो इमेज जाती है वो एक्चुअल में उतनी साइज की नहीं जाती, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो आपका डेटा भी कम यूज होता है उसमें। यूसी ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर सर आपका डेटा कम, आप देखते हो ना उसमें फेसबुक लाइट खुल के आ जाता है बड़ी आसानी से, हम बोलते हैं यूसी ब्राउजर पे जो है डेटा बड़ी, मतलब वेबसाइट बड़ी आसानी से अपलोड होती है, सो दे आर यूजिंग द दे आर एक्चुअली कंप्रेसिंग, जब वो डेटा भेजते हैं ना या रिसीव करते हो, कंप्रेस फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं डेटा को, तो होता क्या क्वालिटी घट गई। यूट्यूब को एक एग्जाम्पल ले लो, होता क्या वो आपकी जो है, जो आपकी वो है प्रेजेंटेशन लेयर, वो क्या कर रही है, जब आप 720 पिक्सल कर देते हो या 144 पिक्सल कर रहे हो क्या रहा है, चीजें कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन ही हो रहा है चीजों का, आपकी वीडियो को प्रेजेंट, देखो अब जैसे जैसे आप कंप्रेस करोगे वैसे वैसे ऑब्वियसली बात है आपके डेटा का साइज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा तो क्वालिटी भी तो जाएगी आपकी। हाँ क्लियर है सारी चीजें, सो ऑल दिस वर्क इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, सो आपकी एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू द सेशन लेयर। फिफ्थ लेयर, इट इनिशिएट्स
डिलीट्स एंड मेंटेन सेशंस, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कम्युनिकेशन, अब मेरे इस बात का मतलब क्या है यार, ये मेरा ओबीएस सिस्टम हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ये विंडो खुली पड़ी स्काइप की, ठीक, एक ये विंडो खुली पड़ी गूगल क्रोम की, ठीक है, और यहाँ पे अंदर चल रहा है यूट्यूब, यहाँ पे अंदर चल रहा है फेसबुक, ये एक विंडो खुली पड़ी मेरी याहू मैसेंजर की, कम्युनिकेशन हो रहे हैं अलग अलग, है ना। देखो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू अनदर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इट मीन्स वी आर वन सेशन इज रनिंग, क्लियर। अब अगर आपका स्पाइक स्काइप खुल रहा है तो स्काइप का एक सेशन हो गया, याहू मैसेंजर का एक सेशन हो गया, उसके बाद आपने गूगल क्रोम खोल रखा है, गूगल क्रोम के अंदर भी दो टैब खोल रखे हैं, तो क्रोम के अंदर जितने जितने टैब खुल रही है मतलब उतने सेशन चल रहे हैं आपके, दो सेशन इसके अंदर चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, और इसको मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, आपने स्काइप से लॉग आउट कर लिया, मतलब आपके पास अब स्काइप का डेटा आना बंद हो गया, इसी तरीके से आपने गूगल क्रोम खोल रखा था, और गूगल क्रोम में आपने एक जगह खोल रखा है यूट्यूब, दूसरी जगह खेल रखा है फेसबुक, आपने जब इस टैब को क्लोज किया तो मतलब फेसबुक का डेटा आना बंद ना, बंद कौन भाई, कौन बंद करेगा उस डेटा को आना, कौन, सेशन लेयर। सो व्हेन, अब इसी तरीके से जब आप कोई नई टैब ओपन करते हो तो मतलब आप एक नया सेशन को ओपन कर रहे हो, जब आप किसी टैब को क्लोज कर रहे हो तो मतलब एक सेशन को आप क्लोज कर रहे हो। सो इनिशिएटिंग द सेशन, ठीक है, एंड डिलीटिंग द सेशन इज डन बाय द सेशन लेयर, इतना मतलब क्लियर है। अब एक बात तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द गूगल क्रोम राइट नाउ, स्टिल आपकी दो टैब खुली है फेसबुक और यूट्यूब की, मिनिमाइज कर दो, स्काइप पे चैट कर लो, स्काइप पे चैट करके वापस अपने गूगल क्रोम में जो काम आप कर रहे थे उसको ओपन करो, क्या टैब, एक बार बताना क्या टैब का डेटा उड़ जाता है, नहीं ना, एग्जैक्टली वैसे रहता है। सो इवन मेंटेनिंग द डेटा, जो सेशन आपका चल रहा है उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सेशन लेयर कर रही है, आपका डेटा कहीं गायब तो नहीं होता, टैब क्लोज तो नहीं होती, गूगल क्रोम बंद तो नहीं होता। तो देख लो इतने सारे एप्लीकेशन आपके चल रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, उन सबका कम्युनिकेशन को हैंडल करना मतलब मेंटेन करना, कि अगर आप उस पर काम नहीं भी कर रहे तब भी आपका डेटा आता रहेगा, वो मेंटेन करता रहेगा, जब आप डिलीट करोगे तब उस एक्चुअल में डेटा टर्मिनेशन रिसीव करना और अपनी तरफ से सेंड करना, रिक्वेस्ट सेंड करना, वो भी कौन करेगा, सेशन लेयर करेगी। इनिशिएट, आपको पहली बार कम्युनिकेशन सेटअप करना है, कौन करेगा, सेशन लेयर। इतनी चीज क्लियर है सर, क्लियर। अब बहुत मस्त चीज, तुम लोगों ने कभी ये देखा, आप लोगों ने गूगल क्रोम खुला है, एक टैब खुली है यूट्यूब की, एक टैब खुली है फेसबुक की, कभी ऐसा देखा है कि यूट्यूब वाले टैब में फेसबुक का टैब का डेटा आ गया हो, या फेसबुक वाले टैब में यूट्यूब की वीडियो चलने लगी, कभी ऐसा देखा है, नहीं ना देखा, कौन करता है काम, सेशन लेयर। स्काइप की वीडियो चैट हो रही है गर्लफ्रेंड से, याहू मैसेंजर पे चैट हो रही है गर्लफ्रेंड से आपकी लोगों की, कभी स्काइप वाली चैट कभी याहू वाली चैट में आएगी आपके, कभी नहीं ना आएगी। ये आपके मैं फोन की बात करता हूँ, व्हाट्सएप पे बात हो रही है, हाइक पे बात हो रही है, हाइक वाली चैट कभी व्हाट्सएप में शो हो जाएगी, नहीं ना शो होगी। तो अब एक बात सोच के देखो भाई, इंटरनेट मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, सारा डेटा मेरे पास कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब का, गूगल का, कहाँ से, वाईफाई से। अब मेरे सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कौन सा डेटा यूट्यूब वाली टैब का, कौन सा फेसबुक का, कौन सा स्काइप का, नहीं कैसे पता चलेगा, वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, दैट हाउ योर सेशन लेयर इज कीपिंग द डेटा ऑफ डिफरेंट सेशन सेपरेट, क्लियर है। अब वो उसके पीछे लॉजिक समझा रहा हूं, समझ लो ध्यान से। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल टू कीप डेटा ऑफ डिफरेंट सेशंस सेपरेट, ठीक है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक समझा रहा हूं, मैंने भी आप लोगों को बताया कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बताए थे ना, जैसे HTTPS, DNS, देखो यार इसी तरीके से ना एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नंबर्स का, अब इस बात को ना दिमाग में उतार लो, अपने दिमाग में उतार लेना, क्या कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो तो बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं भाई, वो काम करते हैं किस पे, बाइनरी में, ठीक है। अब जब वो बाइनरी में काम करते हैं, वो तुम्हारे सामने भले ही HTTPS लिखा दिख रहा होगा क्योंकि तुम्हें उस फॉर्मेट में चीजें समझ में आएंगी, लेकिन एक्चुअल में जब रिक्वेस्ट गई होगी ना तो उसमें HTTPS नहीं लिखा होगा, समझाता हूँ कैसे। देखो पोर्ट नंबर्स क्या होता है, देखो एवरी प्रोटोकॉल इज डिफाइंड बाय अ यूनिक आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्लास में मेरा नाम प्रशांत था,
मेरे साथ में एक और का नाम प्रशांत था, एक और का नाम राहुल था, तो एक और का नाम राहुल था, ठीक है। लेकिन देर इज अ वन कॉमन थिंग दैट इज सेपरेटिंग अस इन दिस दैट इन इन दैट क्लासरूम इन माय चाइल्डहुड डेज, दैट इज रोल नंबर। मेरा रोल नंबर मेरा ही था, किसी और का नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से एवरी प्रोटोकॉल इज डिफाइंड बाय यूनिक आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर्स, क्लियर है। देखो, और ये जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। जैसे कि प्रशांत का रोल नंबर 24 था एक टाइम पे, इसी तरीके से HTTPS का जो पोर्ट नंबर होता है ना, इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड दैट इसका जो पोर्ट नंबर होगा वो होगा 443, ठीक है। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज है। इसी तरीके से आपका WWW है ना, या HTTP, इसका जो पोर्ट नंबर होता है ना, दैट इज पोर्ट नंबर 80। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपकी बात करता हूँ, आपके पास अभी आप आगे सीखोगे टेलनेट वगैरह, जो आपके कोर राउटिंग कोर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, दे आर यूजिंग द पोर्ट नंबर एस 23, ठीक है। हर एक ऐसे ही हर एक प्रोटोकॉल का एक अपना पोर्ट नंबर डिफाइन है। अभी मेरी बात समझते जाना कैसे कैसी हो रही है चीजें। लेट सपोज आपने ना एक टैब खोल रखी है facebook.com की, एक टैब आपने खोल रखी है youtube.com की, ठीक है। अभी आपने क्या जनरेट करी है, रिक्वेस्ट कि मेरे को इसका डेटा चाहिए, ठीक है। जब रिक्वेस्ट जनरेट करोगे ना, तो देखो मैंने आप लोगों को अभी तक मैंने वो आईपी एड्रेस वगैरह पढ़ाया, इतने सारे इनका मैंने आपको बताया ना, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक, लगता ही लगता है ना। तो अभी उस चीज को हम देखो, अभी तक हम अब मैं आपको उस ऑर्डर में समझा रहा हूँ, जब आप एप्लीकेशन से डेटा जनरेट करते हो, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर इन्फॉर्म बताती है, फिर सेशन लेयर पे आता है ना। अब देखो ध्यान से समझो, सेशन लेयर ना पोर्ट नंबर लगा देती है कैसे। देखो जब आपने facebook.com की रिक्वेस्ट जनरेट करी ना, तो उसके साथ सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी लग के जाएगा। डेस्टिनेशन पोर्ट का मतलब है, देखो ये कहाँ पे जाएगा, ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास तो जाएगी, सर्वर से डेटा मिलेगा। तो डेस्टिनेशन पोर्ट में मैं लिखूंगा HTTPS, मतलब कि मैं सर्वर को बोलूंगा कि यार जब तुम मेरे को facebook.com का रिप्लाई करो ना, HTTPS से करना। उसने FTP यूज कर लिया तो फेसबुक का पेज डाउनलोड हो जाएगा, वो थोड़ी करना है तुमने। समझ में आ रहा है। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग द अदर यूजर, अदर डिवाइस, दैट जब आप मेरे को रिप्लाई करोगे, आई वांट टू सर्व द इंटरनेट, फेसबुक मुझे सर्व करनी, मुझे HTTPS से रिप्लाई करना, क्लियर। इसी तरीके से तो बट देखो आपके जो डिवाइसेस है ना, दे आर नॉट राइटिंग HTTPS, दे आर राइटिंग द पोर्ट नंबर्स, क्योंकि सब कुछ बाइनरी में हो रहा है। सब कुछ आपका जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है ना, वो फाइनली जाके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, 10 10 10। तो इसीलिए आपका वो जो आपके डिवाइसेज है ना, दे आर राइटिंग द पोर्ट नंबर्स, 443 लिख दिया। इसी तरीके से अब देखो यार, यहाँ पे भी तो YouTube की रिक्वेस्ट गई, और इसके लिए भी तो पोर्ट नंबर लगेगा, इसके लिए भी पोर्ट नंबर क्या होगा, HTTPS हो यूज होगा, YouTube है तो 443, क्लियर है। अब आप ये देखो, मैं अब आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हाउ योर सेशन लेयर इज कीपिंग द डेटा ऑफ टू डिफरेंट सेशन सेपरेट। मान लो गूगल क्रोम खुला हुआ है, तो यहाँ पे YouTube वाली टैब खुल रही है, यहाँ पे Facebook वाली टैब खुल रही है, ठीक है। अब आपकी अब सोर्स पोर्ट नंबर लगेगा, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट देयर आर टोटल 1265535 पोर्ट नंबर्स। टोटल पोर्ट नंबर्स मेरे पास कितने, इतने 65535, इज इट क्लियर। एंड आउट ऑफ दीज 121024 पोर्ट नंबर्स आर रिजर्व्ड। सर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, अभी सीधे समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो टोटल पोर्ट नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास, 1 से लेके 65535 तक, और जिसमें से 1 से लेके 1024 पोर्ट नंबर हमारे पास क्या है, रिजर्व। रिजर्व कैसे हैं बताऊं, HTTPS को मिल गया ना 443, WWW को मिल गया ना, ऐसे सभी प्रोटोकॉल को कुछ ना कुछ पोर्ट नंबर मिल गया, ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया ना। फ्रॉम 1025 टू 6535, 65535 दीज पोर्ट नंबर्स आर अनरिजर्व्ड। अब अनरिजर्व्ड होने का मतलब क्या है, अब आपके सिस्टम्स, सिस्टम्स मीन योर लैपटॉप, योर पीसी, योर राउटर, any device which is working on the internet, on the working on the network, they can use it accordingly, अपने हिसाब से वो use करते हैं। कैसे, देखो देखो उसने destination port number लगा दिया, कि मैं सामने वाले device को बता रहा हूँ कि आप जब reply करोगे मेरे को, इससे reply करोगे, इस protocol से, clear। source port number में अब ये देखो randomly port number लगाएगा, unreserved में से कोई उठा लेगा, ठीक है। unreserved है, मैं कोई भी उठा सकता हूँ। मान लो अभी तक इसने यहाँ पे लगा दिया 1030, यहाँ पे लगा दिया 1040, और साथ के साथ जब आपका पोर्ट नंबर असाइन करेगा ना, तो आपके सिस्टम्स भी ना मेंटेन करते हैं पोर्ट नंबर टेबल, पोर्ट नंबर टेबल। वो यहाँ पे लिख देगा कि मैंने ना 1030 मैंने किसको दे दिया, मैंने दे दिया फेसबुक वाली टैब के लिए, और 1040 मैंने दे दिया यूट्यूब वाली टैब के लिए, दे दिया। अभी आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी दोस्तों, ये आपकी रिक्वेस्ट गई किसके पास,
सर्वर के पास. नाउ सर्वर हैज टू रिप्लाई, राइट? ठीक है, होल्ड ऑन, लेट मी रिमूव ऑल दिस. नाउ सर्वर हैज टू रिप्लाई टू होम, टू योर डिवाइस. अब जब सर्वर रिप्लाई करेगा ना, तो वो डेटा वगैरह भेजेगा, जो भी भेजेगा. ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ, फेसबुक का डेटा आ रहा है, अब यहाँ से सर्वर ने रिप्लाई कर दिया डेटा के साथ, यहाँ पे आ रहा है यूट्यूब का डेटा. ठीक है, अब जब वो डेटा भेजेगा तो देखो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, वो चीजें तो लगेंगी लगेंगी, लेकिन वो भी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा ही लगाएगा. ठीक है, अब जब वो सोर्स आईपी में लगाएगा, मतलब कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वो लिखेगा भाई मैंने तो 443 से रिप्लाई किया आपको, मतलब आपको HTTPS प्रोटोकॉल से आपको दिखेगा ये चीज. और डेस्टिनेशन आईपी में वो क्या लगाएगा, जहां से रिक्वेस्ट आई थी उसमें सोर्स पोर्ट क्या लगा था, सोर्स पोर्ट लगा था 1030 फेसबुक के लिए, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में वो लगा देगा 1030. इसके डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में, सॉरी सोर्स आईपी नहीं है, सोर्स पोर्ट. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट में यूट्यूब के लिए क्या, जब रिक्वेस्ट आई थी क्या था 1040, यहाँ पे क्या लिख देगा वो 1040. अब दोस्तों ये डेटा आ गया आपके सिस्टम पे, आ गया. अब सिस्टम को नहीं पता कौन सा डेटा किसका, देख के नहीं पता चलता, सिस्टम ने बस एक चीज देखनी है कि यार ये सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, HTTPS है, मतलब ये डेटा किसका है, ये तो यार किसी मेरी एप्लीकेशन का है जो कि इंटरनेट वगैरह यूज कर रही है. ठीक है, अब वो ये देखेगा यार डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, वो कहाँ पे जाएगा देखने के लिए, पोर्ट नंबर टेबल में. पोर्ट नंबर टेबल में देखा 1030 जा रहे, तो मैंने फेसबुक के लिए असाइन किया था, मतलब ये डेटा फेसबुक वाली टैब का है, तो मैं ये डेटा फेसबुक वाले टैब में भेजूंगा. इसी तरीके से ये डेटा मैं कहाँ पे भेजूंगा, यूट्यूब वाली टैब में. दिस इज हाउ योर सेशन लेयर इज कीपिंग द डेटा सेपरेट. यूट्यूब वाला डेटा कभी फेसबुक में नहीं जाएगा, फेसबुक वाला कभी यूट्यूब में, स्काइप वाला याहू में, याहू वाला स्काइप में, कभी ऐसा कुछ नहीं होता ना, बिकॉज ऑफ सेशन लेयर. क्लियर? एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सेशन लेयर. तो सेशन लेयर का काम क्या हो गया, वो इनिशिएट करता है, क्रिएट करता है, डिलीट करता है सेशंस. मतलब क्लियर हो गया सेशन लेयर कैसे डेटा को सेपरेट रख रही है, वो भी क्लियर हो गया. अब एक चीज और बोलते हैं यार, कि ना जब आप लोग बुक्स में पढ़ोगे चीज बोलोगे, दैट इफ एनी एरर अकर्स ऑन प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इवन ऑन द सेशन लेयर, दैट एरर अकरेंस हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय, जो रिजॉल्व करता है ना, वो भी कौन रिजॉल्व करता है, सेशन लेयर करती है. अब किस तरीके का एरर आता है यार, वो कहीं जिक्र नहीं है. प्रोबेबली द एप्लीकेशन डेवलपर वुड बी हैविंग द आइडिया कि किस तरीके से इश्यूज आते हैं, लेकिन बुक्स में आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी कि अगर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर पे अगर कहीं पे कोई भी इश्यूज आते हैं ना, तो दैट रिजॉल्वेंस पार्ट जो होता है ना, रिजॉल्व करना, वो सेशन लेयर ही करती है, तीनों का, ऊपर के तीनों का, अपना खुद का भी और ऊपर के दोनों का भी. अब क्या इशू आता है वो कहीं जिक्र नहीं है. और एज ए नेटवर्क इंजीनियर इट्स नॉट मैंडेटेड टू यू टू लर्न दोस थिंग्स. क्लियर है? चले आगे. नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल to take the data from source to destination. ठीक है, मतलब क्या, देखो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जो एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, वो कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है यार. ठीक है, इतनी चीज क्लियर. देखो सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन लेयर आपके सिस्टम पे ही है और वो बस डेटा को सेपरेट रख रही है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, दैट इज वर्क बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर. क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखो यार, जिस डेटा डिलीवरी, इट इज डेटा डिलीवरी, राइट? सो डेटा डिलीवरी कैन बी इन टू वेज. वन इज रिलायबल डेटा डिलीवरी, एंड द अदर वन इज unreliable data delivery. ठीक है, अब देखो reliable और unreliable का मतलब क्या है. ठीक है यार, for example मेरे को ना, let's suppose मेरे को ना अपनी मदर को एक मैसेज कन्वे करवाना है कि मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा. ठीक है, अब
देखो मनी मेरे को दिखने में शरीफ लगता है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, इस वजह से ना मैं इसको बोलूंगा आप मेरे घर चले जाओ, बिकॉज आई कैन रिलाई ऑन देम, रिलाई ऑन मनी, ठीक है। बट अब मेरे को अगर मेरे क्यों, क्योंकि देखो मेरे यहाँ पे रिलायबल का मतलब क्या है, मेरे को ये एश्योरिटी चाहिए कि मेरा डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचे ही पहुंचे, और इन केस नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा मुझे पता होना चाहिए वो चीज। तो आई नो दैट मनी इज वेरी रिलायबल टू मी, तो मैं इसको मैंने बता दिया। अब यही चीज ना मेरे को लेट सपोज मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मेरे को अपने दोस्त के पास जाना है, मेरे को यही इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है कि यार मैं आ नहीं पाऊंगा। अब मुझे पता है यार मेरे पास ये डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचे ना पहुंचे मेरे लिए इतना कोई जरूरी भी नहीं है, मैंने किसको दे दिया, गौरव को, क्योंकि मुझे पता है गौरव लफंटर आदमी है, ठीक है, भूल जाएगा, अगर इसने नहीं भी पहुंचा तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो आई कैन गो विद द गौरव। जब मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, मुझे एश्योरिटी चाहिए दैट यस डेटा शुड बी फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन, और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, पहुंच गया तो भी मुझे ये फोन करके बताएगा सर पहुंच गया, बात कर लो मम्मी से। लेकिन मेरे को वही मेरे को अनरिलायबल चाहिए था, पहुंचे ना पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको दे दूंगा, पहुंचा दिया तो बढ़िया, नहीं पहुंचा तो भी बढ़िया। बट देयर इज अ डिफरेंस, व्हेन आई वांट टू बी मेक श्योर, मेरे को एश्योरिटी चाहिए, भले ही मैं मनी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मनी स्लो है यार काम में। बट इन कंपेरिजन टू दैट द गौरव इज फास्ट, अगर ये काम कर देगा तो बहुत तेजी से काम कर देगा, लेकिन मेरे पास उसमें एश्योरिटी नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा कि डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, ये फोन पे बात भी नहीं कराएगा और पता नहीं है क्या क्या बोल देगा। सो ये अनरिलायबल हुआ गौरव, मेरे लिए रिलायबल कौन हो गया मनी, क्लियर। इसी तरीके से जब आपके दो पीसीज हो गए, ठीक है, जब ये डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, सो दे कैन ट्रांसफर द डेटा इन द रिलायबल मोड और इन द अनरिलायबल मोड। रिलायबल मोड में मतलब क्या है, अगर मान लो PC1 ने PC2 को डेटा फॉरवर्ड किया ना, तो अब PC2 उसको वापस बताएगा कि जो तुमने मुझे डेटा भेजा था वो मेरे को मिल गया, ठीक है। और अगर मान लो डेटा स्कोर नहीं रिसीव हुआ तो फिर ठीक है, या मान लो कोई डेटा ड्रॉप हो गया, कुछ हो गया, करप्ट हो गया, तो बता देगा डेटा करप्ट हो गया, या ये इसको बता देगा कुछ डेटा ड्रॉप हो गया, कुछ आ गया, कुछ टुकड़ा, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है रिलायबल में। लेकिन अनरिलायबल में PC1 ने PC2 को डेटा भेज दिया, भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद रिप्लाई आए ना आए PC1 को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब जैसे ये एप्लीकेशन है जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं दे यूज सम प्रोटोकॉल, सिमिलरली व्हेन द ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, देर आर टू प्रोटोकॉल्स, देर आर ओनली टू प्रोटोकॉल्स ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर विच कैरीज द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वन इज TCP एंड द अदर वन इज UDP। सो फॉर द रिलायबल कम्युनिकेशन आई एम यूजिंग द TCP प्रोटोकॉल, एंड फॉर द अनरिलायबल कम्युनिकेशन, फॉर द अनरिलायबल डेटा आई एम यूजिंग UDP प्रोटोकॉल। इतनी चीज क्लियर है अभी तक, चले आगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द TCP फर्स्ट, ठीक है। अब TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आई टोल्ड यू दैट इट इज यूज फॉर रिलायबल डेटा डिलीवरी, है ना। अब एक बात सोचो यार, अगर मैंने आप लोगों को बोला दैट दिस मनी इज वेरी ट्रस्टेबल टू मैं इस पर बड़ा भरोसा करता हूँ, रिलायबल है, क्यों, देर माइट बी सम रीजन, मैं ऐसी थोड़ी किसी को बोल रहा हूँ गौरव को ये लफंडर है ये दिखने में सही, कुछ रीजन है ना मेरे, कुछ पैरामीटर्स हैं। इसी तरीके से वाई वी आर कंसिडरिंग TCP प्रोटोकॉल एज द रिलायबल प्रोटोकॉल, हम क्यों बोल रहे हैं, देर माइट बी सम रीजन, राइट। तो वो रीजन क्या है वो देख लो, और ये मैं या फिर टेक्निकल टर्म्स में बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है TCP प्रोटोकॉल की विच मेक्स इट रिलायबल प्रोटोकॉल फॉर द डेटा डिलीवरी। द फर्स्ट थिंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड, सेकेंड थिंग इज सीक्वेंसिंग, थर्ड थिंग फ्लो कंट्रोल, फोर्थ एक्नॉलेजमेंट, फिफ्थ कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग, इतनी चीजें क्लियर है। सो दीज आर द फाइव रीजंस कि जिनकी वजह से हम TCP प्रोटोकॉल को बोल रहे हैं रिलायबल है। अब इसमें क्या है सनी समझ, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन रीजंस को, ठीक है। फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुमसे एप्लीकेशन लेयर
प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर का कोई जिक्र तक नहीं करेगा, तुमसे जिक्र होंगे टीसीपी के। टीसीपी रिलायबल क्यों, ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या फ्लो, हम सारी चीजें हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सो प्रोबेबली अवर ओसी मॉडल विल टेक अराउंड 3 to 4 क्लासेस। बस एक बार इसने क्लास ले ली, अगर तुमको ओएसआई मॉडल डिटेल में समझ में आ गया तो तुम्हें सारी चीज समझ में आती चलेगी आगे, ठीक है। नहीं तो ओएसआई, नहीं तो होता क्या है, देखो मैं जनरल में जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ, ओएसआई मॉडल मैक्सिमम 8 दिन में खत्म हो जाता है, बता रहा हूँ बहुत ही जनरल टर्म्स में खत्म कर। आप इवन यूट्यूब पे वीडियो देख लो, दो वीडियो किसी भाग नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक बार आपने डिटेल में ओएसआई मॉडल समझ लिया, वायरस पे क्या क्या फ्लो हो रहा है एक बार सारी चीज देख ले, उसके बाद कहीं फंबल नहीं करोगे, तो मैं एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाँ इस तरीके से डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट देखो, अब डेटा डिलीवरी के लिए या तो टीसीपी यूज होगा या यूडीपी यूज होगा। अब ये जो सारी चीज मैं दिखा रहा हूँ ना तुम्हें, ये कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग पोर्ट नंबर, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, टेंशन मत लो इस चीज की। जब एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगी सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, ये सारी चीजें टेंशन मत लो इस चीज की। अब चलो अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, जो मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट रीजन है, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। अब देखो दोस्त, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, देखो बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। मेरे को ना अपनी मदर को मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। मैंने फोन पे फोन मिलाया, फोन मिला, द कॉल हैज बीन कनेक्टेड, पिक हो गई है दोनों साइड से। मैंने बोला हेलो, मम्मी ने बोला हेलो। अब मेरे को मेरी मदर की हेलो सुनाई दी, मेरी मदर को मेरी हेलो सुनाई दी, मतलब श्योरिटी है, श्योरिटी है कि अब हमारे बीच में कनेक्शन हो गया, अब हम आपस में बात करेंगे, मम्मी मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा, डन। बट मैंने फोन उठाया, मेरी मदर ने फोन उठाया, मेरी मदर बोल रही है हेलो, मैं भी बोल रहा हूँ हेलो, मम्मी आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो मम्मी क्या हो गया, हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो मम्मी, हेलो हेलो। इसका मतलब मुझे पता है कि भले ही फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई है बट लॉजिकल कनेक्टिविटी शी इज अनेबल टू हेयर मी। तो अगर मैं अपना ट्रैफिक, अगर मैं अपना डेटा फॉरवर्ड करूंगा, दैट इज इररिलेवेंट गाइस। सो इन केस ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल, बिफोर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, TCP protocol make sure that there is a connection between those two devices before forwarding the actual data. Clear? इसका मतलब क्या है connection oriented का? ठीक है। अब how these TCP protocol perform the connection oriented? देखो, ये हो गया PC1, ये हो गया PC2। तो इसका एग्जांपल बाद में लेता हूँ, पहले ये समझ लेता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज ये हो गया मनी, ठीक है, और ये हो गया अपना गौरव, ठीक है। गौरव ने बोला सर ऐसा क्या कर रहे हो, मेरी मांग मांग दो, भर दो, लाली तो लगा दो। मैंने कह लो यार तुम टेंशन का ले रहे हो, मांग भी भरती, तुम्हारी लिपस्टिक भी लगा दे, जब लगा तो लिपस्टिक खिले ला रहा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब ये गौरव देखो बुरा तो नहीं मान रहे ना, देखो मान भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, माई क्लास माई रूल्स, ठीक है। ये गौरव, ये हो गया मनी। अब देखो हुआ क्या, मनी को ना इंटरेस्ट है किसमें, गौरव में। मनी वांट्स टू गेट इन रिलेशनशिप विद गौरव। अब मनी ने देखो अप्रोच कैसे किया, मनी ने गौरव को अप्रोच किया, हाय गौरी आई लव यू, डन। अब इफ गौरव वांट्स टू मेक द कनेक्शन विद मनी, भाई अगर म्यूचुअल फीलिंग्स है तो ऑब्वियसली गौरव विल रिप्लाई। अगर वो कनेक्शन नहीं बनाना चाहता होगा तो या तो वो थप्पड़ उप्पड़ मार के चला जाएगा या रिप्लाई नहीं करेगा, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन राइट नाउ। चोर तो गौरव के मन में भी है। अब गौरव ने रिप्लाई किया मनी को, मनी लव यू टू, क्लियर। अब देखो यहां पे मनी ने प्रपोज किया गौरव को, अब जब मनी के पास रिप्लाई आ गया दैट यस शी हैज एक्सेप्टेड माय प्रपोजल, तो मनी को तो इंश्योर हो गया, लेकिन अभी गौरव श्योर नहीं है कि उसको मेरा रिप्लाई मिला कि नहीं मिला। तो अब यहां पे मनी रिप्लाई करेगा, फाइनली क्या बोलेगा, थैंक यू बेबी और एक प्यारी सी, डन। नाउ बोथ आर इंश्योर दैट दे आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, इज इट क्लियर। अब आपस में कैसी बातें करो जो तुम्हें करनी है, अब इंश्योरिटी हो गई ना, यू हैव गॉट द लीगल कि भाई हाँ अब हम चीजें करेंगे बिंदास। इसी तरीके से अब इसको पीसी से टर्म्स में समझो, जरा फील मत ले लेना इन बातों के, तुम लोग हटा दो जरा गौरव और एक बार मनी को, ताकि हम पीसी के टर्म्स में समझ ले चीजें। अब देखो होगा क्या,
लेट सपोज पीसी वन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद पीसी टू, फॉरवर्डिंग करनी है, तो पहले टीसीपी प्रोटोकॉल एक्शन में आएगा। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इट विल इंश्योर कि दोनों के बीच में कनेक्शन है। सबसे पहले पीसी वन अपनी तरफ से भेजेगा पीसी टू को एक सिंक मैसेज। क्या भेजेगा? सिंक मैसेज। अब तुम बोलोगे सर सिंक मैसेज के अंदर क्या होता है, ठीक सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी आराम से बैठे रहो। जब जब देखो अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ टीसीपी, फिर एक चीज पढ़ाऊंगा टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो सारी चीज दिखाऊंगा, क्लियर है? उसमें तुम्हें पता चल जाएगा ये सिंक का मतलब क्या है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, एक ये सिंक्रोनाइज मैसेज भेजेगा पीसी टू को, और इसमें ना एक तरीके से वो पीसी टू को बोल रहा है दैट पीसी टू आई वांट टू सेट अप अ कनेक्शन विद यू। अब यहां से देखो पीसी टू ना सबसे पहले इसे भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि वापस किसी चीज का रिप्लाई करना। तो पीसी टू ना इसको सबसे पहले भेजेगा एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज, और इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज में पीसी टू पीसी वन को ये बोल रहा है कि बडी आई हैव गॉट योर सिंक्रोनाइज मैसेज, कि तुम मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, मुझे वो चीज मिल गई है। अब पीसी टू भी बनाना चाहता है कनेक्शन, अभी अपने तरफ से सिंक्रोनाइज मैसेज भेज देगा कि ओके आई एम ऑल्सो रेडी टू हैव कनेक्शन विद यू, क्लियर? अब फाइनली पीसी वन विल सेंड एन एक्नॉलेज मैसेज टू पीसी टू दैट आप मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हो, इसका एक्सेप्टेंस मुझे मिल गई है। समझ में आ रही है चीजें? दिस इज हाउ दे मेक श्योर दैट देर इज अ कम्युनिकेट, देर इज अ कनेक्शन बिटवीन, सॉरी देर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू डिवाइस, दिस इज हाउ दे मेक श्योर, क्लियर है ये चीज? अब देखो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज, नाम भी बड़ा अच्छा है, थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस, ठीक है? अब अगर आपसे कोई पूछता है दैट हाउ टीसीपी एंश्योर्स दैट देर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस, देर इज अ कनेक्शन बिटवीन, इट यूजेस थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस टू डिटरमाइन दैट यस देर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेस, एंड दिस थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस से दैट द पीसी वन इज गोइंग टू सेंड द सिंक्रोनाइज मैसेज फर्स्ट, देन पीसी टू विल एक्नॉलेजमेंट will send an acknowledgement and sync message. In this acknowledgement message, PC2 is conveying this information to PC1 that yes, I have got your synchronized message. And in this synchronized message, and by sending the synchronized message, it is saying that yes, I'm ready to have connection with you. And with this acknowledgement message, PC1 is conveying this information to PC2 that I have got your acceptance. Balle balle. Okay? Done? Is it clear that how they make sure connection oriented clear? Theoretical terms mein? Congratulations. Now let's move ahead. दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सीक्वेंसिंग बताया था ना। नाउ व्हाट इज सीक्वेंसिंग? देखो सीक्वेंसिंग समझने से पहले ना एक टर्म समझो, एमटीयू साइज। एक टेक्निकल टर्म है आप लोगों को एमटीयू साइज, वेयर एमटीयू स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं तुम लोगों को ये चीज ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना कल दिमाग में बिठा गया ना कैसे भी, लेकिन देखो कल मैं जब सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा ना तो मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, थ्योरी बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फिर मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर ये सब भूल चुकोगे ना एमटीयू साइज क्या था क्या था, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? और मैं वो चीज कर नहीं सकता कि मैं साथ के साथ प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कल सारे आप चारों के लिए, ये आप लोगों को पहले से आता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं आता तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है? स्क्रैच से पढ़ाने में ज्यादा बढ़िया है कि बजाय किसी को थोड़ा थोड़ा आता है। तो कल अच्छे से पढ़ के आ जाना। बुक कौन सा फॉलो करनी है? ओनली वन बुक, दैट इज रिचर्ड डिल। ओएसआई मॉडल छूने की भी जरूरत नहीं, सबसे घटिया बुक है वो ओएसआई मॉडल के लिए। कौन सी? टोड लैमले। बहुत घटिया बुक है, पढ़ना ही नहीं है उसको, रद्दी में डाल देना मेरे हिसाब से, मेरे को बहुत बेकार बुक लगती है। पढ़ लेना कौन सी? रिचर्ड डिल, ओएसआई मॉडल, उससे पढ़ना है। और जो टीसीपी मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, एक तो ओएसआई मॉडल है सेकंड चैप्टर करके, ओएसआई मॉडल है शायद उसमें, और एक फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में टीसीपी है, सिर्फ टीसीपी, उसमें से पढ़नी है ट्रांसपोर्ट लेयर। सर रिचर्ड डिल बुक है, रिचर्ड डिल बुक में जो मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना उसमें ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल में आप पढ़ लेना, ठीक है? और जब उसमें से पढ़ लो तो एक फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर आपको उसमें लिखा होगा टीसीपी आईपी मॉडल, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर लिखा होगा सिर्फ, तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपने उससे पढ़नी है डिटेल में, ठीक है? चलो अभी अब एमटीयू साइज समझ लो। एमटीयू साइज क्या होता है? देखो एमटीयू साइज इज मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। अब इसको अगर मैं वैसे समझाऊं ना, देखो ऐसे समझो कि ना ये मेरे पास ना एक पानी की बोतल है, जो इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 2 लीटर की, 2 लीटर की इसकी। लेकिन अगर मैं जब इसमें पानी में फिल करने लगूंगा इस बॉटल को, तो क्या एक साथ 2 लीटर चला जाएगा?
जितनी वॉल्यूम इसकी होगी, जितनी ओपनिंग इसकी होगी वॉल्यूम की, जितना इसका ढक्कन ओपन होगा, उतना ही करके धीरे धीरे करके तो पानी जाएगा और एक टाइम पे जाके फिल हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस दिस थिंग दिस दिस इज एमटीयू साइज। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट मीन दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन इनटेक एंड आउटटेक। क्लियर? 10 GB की मूवी डाउनलोड कर, 10 GB की मूवी पेन ड्राइव में डाल दो, पेन ड्राइव सेवर डाल दो, 10 GB चला गया एक साथ। डेटा ट्रांसफर रेट होता है, उसको रिलेट कर लो एमटीयू साइज से। ठीक है, चलो। अब आपके जितने भी सिस्टम्स में पोर्ट होंगे, ठीक है, ये आपका जो वाईफाई एनआईसी कार्ड है या आपके राउटर के इंटरफेस, सबका अपना अपना एमटीयू साइज होता है। दिखाऊंगा कल सारी चीजें। ठीक है, अभी देखो इतनी चीज क्लियर है। एमटीयू साइज क्या होता है? इट इज डेटा ट्रांसफर रेट। अब होता क्या है, देखो मान लो ये हो गया राउटर R1, R1 की आगे कनेक्टिविटी हो गई R2 के साथ, आगे यहाँ पे मैंने एक ले लिया स्विच, स्विच से आगे कनेक्टेड है PC2। ठीक है, इसी तरीके से ये स्विच है, स्विच से आगे यहाँ पे एक PC कनेक्टेड है PC1। क्लियर? अब आई हैव टोल्ड यू दैट एवरी डिवाइस विल हैव इट्स ओन, एवरी एवरी इंटरफेस ऑफ अ डिवाइस विल हैव इट्स ओन एमटीयू साइज। ठीक है, जैसे राउटर के ये, जैसे ये दो राउटर के इंटरफेसेस हैं, इनके अपने एमटीयू साइज होंगे। ये स्विच है, स्विच का अपना ये इंटरफेस है, इसका अपना एमटीयू साइज होगा, इसका अपना एमटीयू साइज होगा। इस पीसी है, ये लैन केबल से कनेक्टेड है, तो लैन पोर्ट का एक अपना एमटीयू साइज होगा। यार समझ में आ रही है? इसी तरीके से इस पीसी का अपना लैन पोर्ट से कनेक्टेड है, इसका अपना अपना एमटीयू साइज होगा। आई एम अज्यूमिंग, मैं सबके ना एक बार ना एमटीयू साइज अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज आपके जो पीसी है ना, इसका एमटीयू साइज है 2000 बाइट्स। ठीक है, आपका ये जो इंटरफेस है, इसका साइज है मान लो 1000 बाइट्स। हजार बाइट्स ये हो गया मान लो 800 बाइट्स, इसका भी हो गया मान लो 800 बाइट्स। ठीक है, इसका हो गया 200 बाइट्स, 200 बाइट्स। इसी तरीके से इसका मान लो 1000, इसका फिर से मान लो 1000 बाइट, और आपके पीसी का फिर से मान लो 2000 बाइट। ठीक है, अब PC1 ने यूजिंग एनी एप्लीकेशन, इट कुड बी एनी थिंग, उसने इस एप्लीकेशन विद हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन के हेल्प से तो डेटा जनरेट कर रहे हो, सो यूजिंग एन एप्लीकेशन आपके PC1 ने एक डेटा जनरेट करा, और इस डेटा का जो साइज है ना दोस्तों, ये है 1000 बाइट्स। ठीक है, किसने जनरेट करा? आपके PC1 ने। अब उसको PC1 को कहाँ फॉरवर्ड करना है? इस ट्रैफिक को PC2 को। क्लियर है? अब देखो जो डेटा जनरेट हुआ उसका साइज कितना है? 1000 बाइट, और इसका जो एमटीयू साइज क्या है पीसी का, वो है 2000 बाइट। मतलब इतना मैक्सिमम डेटा वो आउटटेक कर सकता है। इनटेक आउटटेक तो बड़े आराम से करेगा वो, उसने फॉरवर्ड कर दिया स्विच को। स्विच का एमटीयू साइज कितना है? 1000 बाइट्स। डेटा का साइज क्या? 1000 बाइट। आराम से अंदर ले लेगा उसको इतने। ठीक है, गया राउटर पे, राउटर के इस इंटरफेस का साइज कितना है? 800 बाइट्स। डेटा का साइज कितना है? 1000 बाइट। तो क्या एंट्री हो पाएगी डेटा की? नहीं हो पाएगी ना, डेटा क्या हो जाएगा? ड्रॉप यहीं पे, राउटर के एंटर करने से पहले ड्रॉप हो गया डेटा। बात समझ में आ रही है ना? नाउ टू मेक श्योर आपका डेटा पूरे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कहीं पे भी आपका डेटा ड्रॉप ना हो, कहीं पे भी, देर इज समथिंग दैट राउटर्स और दीज डिवाइसेस परफॉर्म, दीज आर कॉल्ड एमटीयू पाथ डिस्कवरी। ठीक है, एमटीयू पाथ डिस्कवरी अभी एक अलग चीज है, अलग टॉपिक है, मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जाता, नहीं जरूरत है अभी तुम लोगों को जाने की। बस एक चीज बता रहा हूँ, एमटीयू पाथ डिस्कवरी नाम की एक चीज होती है, जिससे आपके डिवाइसेस फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वो ये जान लेते हैं कि उनके पाथ में जो भी जितने भी डिवाइसेस पड़ेंगे उसका मिनिमम एमटीयू साइज क्या आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, तो इसी को आप आपके, लेट सपोज कर लो आपके राउटर्स ने, आपके पीसीज ने, ठीक है, उन्होंने एमटीयू पाथ डिस्कवरी करा, और एमटीयू पाथ डिस्कवर, मिनिमम एमटीयू पाथ डिस्कवर, एक सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल जनरेट होकर आगे PC2 तक। अब इस PC1 को जब पता चल जाएगा कि जो मेरा पाथ है ना सोर्स, उसमें जो मिनिमम एमटीयू साइज पड़ रहा है वो मेरे को पड़ रहा है 200 बाइट, तो बजाय डेटा को ड्रॉप कराने के, अब आपका क्या करेगा, आपका ये पीसी क्या करेगा, इस डेटा को ना 200 200 बाइट के छोटे छोटे पैकेट्स में क्या कर देगा? डिवाइड। ठीक है, सारे अब 200 200 बाइट के मेरे पैकेट्स हैं,
अब बताओ अगर ये पांचों पैकेट किस्तों में गए तो क्या कहीं पे ड्रॉप होंगे PC2 तक? नहीं होंगे ना, इंश्योरिटी है ना, बढ़िया चीज है यार ये चीज। ठीक है, 200 200 बाइट के मेरे पैकेट हैं। ठीक है, अब मान लो देखो ऐसा नहीं होता कि ये पैकेट जाएंगे ना तो ये मतलब क्या कहते हैं एक ऑर्डर में जाएंगे, रैंडम ऑर्डर में चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मान लो आपने पांच पैकेट जनरेट करे वो एक साथ चले गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि पांचों के पांचों पैकेट ना एक ऑर्डर में रहेंगे। कई बार होता क्या है, देखो आप राउटर पे ना कुछ चीजें सीखोगे, एक चीज होती है, मैं कल डिस्क मैं आईपी हेडर जब पढ़ाऊंगा ये चीज सब डिस्कस करूंगा, एक चीज होती है इनग्रेस क्यू, एक होती है आउट ईग्रेस क्यू। इनग्रेस क्यू आउटग्रेस क्यू का मतलब ऐसा, आप ऐसा समझो अंदर जाने के लिए लाइन बाहर जाने के लिए लाइन, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब मान लो तुम किसी रूम में एंट्री करनी है, तुम सब लाइन बाय सीक्वेंस वाइज खड़े हो लाइन वाइज, बीच में एक अचानक एक बंदा आता है बड़ा बूढ़ा सा है, तुम उसको प्रायोरिटी दोगे ना, सब बहुत बुजुर्ग है, आप उनको फिर जल्दी जल्दी आप आगे भेजना चालू करो, बाबू कि दादा आप आगे चले हो, करते हो, आपने उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी, और आप क्या करोगे, हो सकता है आगे वाला ना करे ना, उसको आगे लगा, तुमने लगा दिया, तुम्हारी वो तुम्हारा मॉरल नेचर था यार। तो देखा जाए तुम्हारा सीक्वेंस ना, तो तुम्हारा जो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में डेटा फॉरवर्ड वो बदलता रहता है। इसी तरीके से मान लो कि ना जैसे राउटर के पास पांच पैकेट रिसीव, तीन पैकेट रिसीव हो गए, उसके बाद ना उसे एक पैकेट और मिल गया कहीं और से, कहीं और से पैकेट मिल गया, और उस पर प्रायोरिटी, उस पर ना हम लोग ना आगे ना प्रायोरिटी सेट करते हैं, डेटा की भी प्रायोरिटी लगाते हैं, मैंने इसकी प्रायोरिटी कर दी हाई प्रायोरिटी। अब राउटर के पास जैसे इनग्रेस क्यू में डेटा आएगा ना, राउटर को पता है इनग्रेस क्यू में एक डेटा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो इन सबको साइड में हो जाओ तुम लोग, पहले इसका इसका इसकी बात होगी। तो आपका मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपका डेटा फॉरवर्डिंग होगा ना वो एक रैंडम ऑर्डर में होती है, जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में होती चले, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जा रहा हो सकता है, दूसरे के बाद पहला चला जाए चौथा चला जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जब आईपी हेडर पढ़ाऊंगा और डिटेल में और समझेंगे, अभी के लिए इतनी चीज समझ में आई। तो अब देखो जब पीसी के पास जब देखो देखो मान लो PC2 के पास ये डेटा आ गया रैंडम ऑर्डर में आ गया, अब जब पीसी है तो सारा 200 200 बाइट का, ठीक है, अब जब जब पीसी आपका डेटा फॉरवर्ड करता है ना, तो साथ के साथ ना आप देखो अब पीसी इस PC2 को कैसे पता चलेगा कि यार ये सारा का सारा एक ही उसका डेटा है, नहीं पता चलेगा ना। तो ना साथ के देखो इस पीसी वाले तो इस डेटा को क्या करा, ये तो हम अगर डेटा एक पूरे डेटा को हम जब छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं ना, इस चीज को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं इसे, या मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया डेटा को। सर सब कुछ होता है, सब कुछ सर, सर मैं वही चीज बता रहा हूँ ना आपको। देखो अगर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन वो तो उसको ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मान लो दो अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा जा रहा है, फिर उसको कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा किसका है, पता चल जाएगा नहीं ना। देखो यार जैसे मैं हूँ, हम दो आपका दोनों का ही डेटा आपके पास रीच कर सकता है, लेकिन मैं गौरव की भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, इसकी भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो भी आपको आपको थोड़ी पता है कि यार ये डेटा एक्चुअल में मेरे को गौरव ने दिया था, मैंने दिया था। सर पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट अलग है, पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आप इसके साथ मिक्स मत करो, पोर्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को, ये एक अलग चीज है, उसको अलग, अभी चीजों को सेपरेट रहने दो। ठीक है, देखो हो अभी के लिए बस इतना समझ लो, ये डेटा आपने डिवाइड कर दिया, हाँ डेटा जब आपने डिवाइड कर दिया तो PC2 के पास मैंने बता दिया रैंडम ऑर्डर में भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है इसके पास इसी का डेटा आएगा, किसी और PC का नहीं आ सकता, तो इस PC को कैसे पता चलेगा ये सारा का सारा एक ही PC का डेटा है और एक ही एप्लीकेशन का डेटा है, उसको कैसे पता चलेगा? तो वो करते क्या है, वो जब भी आपका पीसी में जब भी डेटा या कोई भी डिवाइस डेटा को फ्रेगमेंट करता है ना, तो उसके साथ वो लगा देता है आइडेंटिफिकेशन फील्ड, एक आइडेंटिफिकेशन चीज जोड़ देता है, मान लो इसका आइडेंटिफिकेशन इसने जोड़ दिया जीरो है, जीरो तो सब पे लगा देगा जीरो है। जब PC2 के पास डेटा आएगा ना, तो जितने भी फ्रेगमेंटेड पैकेट रिसीव करेगा उस पर OA लिखा होगा, अब वो समझ जाएगा ये सारा डेटा एक ही है, ये तो उसे पता चल गया, लेकिन कौन सा पहला है अभी ये कैसे बताएगा वो उसको। अब उसके लिए आपके PCs क्या करते हैं, आपके राउटर क्या करते हैं, ये लगाते हैं उसके साथ में सीक्वेंस नंबर, इसके साथ उसने सीक्वेंस नंबर लगा दिया वन, इसके लगा लगा टू, इसके साथ लगा दिया तीन चार, अब ये पैकेट किसी भी रैंडम ऑर्डर में इसको रिसीव हो, पांच तीन एक दो, सबकी आइडेंटिटी देख ली इसने आइडेंटिफिकेशन फील्ड से, सबका ओए ओए मतलब सारा एक। अब ऑर्डर कैसे बताएगा, भाई जब यूजर को डेटा दिखाएगा वो अपनी एप्लीकेशन से, तो उसको वापस कलेक्ट करना पड़ेगा ना, ये फ्रेगमेंटेड फॉर्मेट में दिखाएगा नहीं यार, 3 मिनट की वीडियो अब चलेगी, 4 मिनट की वीडियो अब चलेगी, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो कलेक्ट करेगा एक साथ, तो रीअसेंबल करते वक्त उसको कैसे पता चलेगा कौन सा पहला दूसरा। आपका डिवाइस जब फ्रेगमेंट डेटा को फ्रेगमेंट करेगा तो वो सीक्वेंस नंबर लगाएगा, और सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर आपके PC2 को पता चलेगा मेरे को तो अब इस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये सारा डेटा एक ही है लेकिन इस ऑर्डर में अरेंज करना है। लेट सपोज
इन सारी चीजों में जो आपका पीसी है ना, मान लो ये जो उसको थर्ड पैकेट रिसीव हुआ वो करप्ट हो गया या ड्रॉप हो गया, मैं कह रहा हूँ किसी भी रीजन से, अब ये इसको कैसे बताएगा कि मान लो सीक्वेंस नंबर नहीं लगा, तो इसको कैसे बताएगा कौन सा पैकेट करप्ट हुआ है? तो अब इसको डायरेक्ट बोल देगा ये जो आपने मेरे को पैकेट भेजा था ना जिसका आइडेंटिफिकेशन ओए था और सीक्वेंस नंबर 3 था, यार ये करप्ट हो गया, इसे दोबारा भेज दो। समझ में आ रही चीजें? सीक्वेंसिंग क्लियर हुई? यार देखो ऐसा मुंह मत बनाओ यार, आसानी से समझा रहा हूँ सर। हाँ नेक्स्ट क्या था यार? फ्लो कंट्रोल ना, ठीक है। ठीक है, अब फ्लो कंट्रोल में, अब फ्लो कंट्रोल समझने से पहले एक टर्म समझो, बफर स्पेस। अब बफर स्पेस क्या चीज है? मैंने अभी आपको बॉटल का एग्जांपल लिया था, द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी आउटटेक और इनटेक, दैट इज एमटीयू, बट द टोटल कैपेसिटी वाज, द टोटल कैपेसिटी उसको, टोटल कैपेसिटी उसको समझो आपकी पूरी, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव समझ लो, ठीक। और देखो मैं छोड़ो इस चीज को नहीं समझता, मैं ऐसे समझ लेता यार, ये हो गया मेरा PC1, ये हो गया मेरा PC2, दोनों के बीच में डेटा फॉरवर्डिंग हो रही है, ये इसको डेटा फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब देखो ये तो हो गया इसका हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये समझ लो इसका हार्ड ड्राइव है। अब जब भी किसी भी डिवाइस के पास डेटा आता है ना, ठीक है, तो सबसे पहले ना वो उसके बफर स्पेस में जाता है डेटा, उसके कहाँ जाता है, बफर स्पेस में। एंड इन द बफर स्पेस द डिसीजन कि मतलब मेरे को इस डेटा पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मेरे पास आया इसको डिलीट करना है, इसको ड्रॉप करना है, या फिर मेरे को इसको प्रोसेस करना है, किसी एप्लीकेशन से दिखाना है, हार्ड ड्राइव में स्टोर करना है, ये जो डिसीजन मेकिंग का काम है ना वो बफर स्पेस में किया जाता है, ठीक, बफर स्पेस में होता है ये काम, ठीक है। अब मान लो अगर मैं डेटा, बफर स्पेस का भी एक लिमिटेड साइज होता है, मान लो यार एम्प्टी साइज तो सही था, मान लो आपने डेटा फॉरवर्ड कर दिया, आप तेजी से डेटा फॉरवर्ड करते जा रहे हो, मान लो आपके जो डिवाइस है इसका जो बफर स्पेस इतना, मतलब आप इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो इतना डेटा हैंडल कर सके, तो होगा क्या? देखो मान लो आपने ना 7 पैकेट जनरेट कर लिए 200 200 बाइट के, इसका बफर स्पेस की जो कैपेसिटी है वो समझ लो 5 पैकेट की है, होगा क्या, 5 पैकेट एंटर हो गए, जब तक इसको देखो जब तक ये पैकेट प्रोसेस होंगे नहीं तब तक तो बफर स्पेस खाली होगा ही नहीं ना। मान लो इसने ये पैकेट जब तक प्रोसेस किया, जब तक इसने पैकेट प्रोसेस किया तो एक और पैकेट अंदर घुस गया, फिर जब वो प्रोसेस हुआ भी नहीं था, दूसरा पैकेट एक और घुसने की कोशिश कर रहा है, अब स्पेस तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा, ड्रॉप, ड्रॉप हो गया, तो तब भी तो मेरा डेटा ड्रॉप हो गया। तो इन फ्लो कंट्रोल वी आर एंश्योरिंग दैट कि मैं सामने देखो एमटीयू साइज, देखो एमटीयू साइज को ऐसा समझो, बड़े ध्यान से समझना, एमटीयू साइज को ऐसे समझो कि मैं इस स्पीड में बोल रहा हूँ आपको कि आप लोगों को मेरी चीजें समझ में आने लग जाए, ठीक है, कभी ऐसा ना हो मैं ऐसे बोलूँ यार जल्दी जल्दी पढ़ो यार क्या कर रहे हो, तो क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही, डेटा ड्रॉप होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, इतने एक साथ 6 सेकंड में 10 वर्ड ही तुम्हारे दिमाग में जाएंगे, दैट इज एम्प्टी साइज, क्लियर। बफर स्पेस में क्या है कि तुम इस चीज को समझो, तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, मैं एक बार में उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारा बफर स्पेस है, मतलब तुम उसको प्रोसेस कर सको, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ाते जा रहा हूँ, तो एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम्हारी हार्ड ड्राइव तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा ब्रेन बहुत कुछ स्टोर कर सकता है, लेकिन तुम्हारा बफर स्पेस, अब तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो गई, दैट इज बफर स्पेस। समझ में आ रही है? योर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आर डाउन नाउ, तुम्हारा बफर स्पेस, तुम्हारा माइंड का वो पार्ट जहां पे तुम सोचते हो चीजें कि मेरे को अब क्या करना है, वो खत्म हो चुका है, तुम उसके बाद का सब बस करो, थक जाओगे, कितना पढ़ाओगे, हम भी थक गए, वो चीज है बफर स्पेस। क्लियर हो गई डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज है? मैं बस मैं बफर स्पेस चेक करूंगा तुम लोगों का कि मैं एक बार में तुम्हें कितना पढ़ाऊं, कि किस स्पीड में पढ़ाऊं, दैट इज एमटीयू साइज, और कितना पढ़ाऊं तुम्हें ताकि तुम उसको इनटेक कर सको बड़े आसानी से, ज्यादा पढ़ा दूंगा होगा क्या, सब उड़ जाएगा, ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, फिर एक टाइम पे जाके सोने लग जाओगे तुम लोग, जैसे तुम्हारी हालत होती जा रही है धीरे धीरे, कहे ना कल ले बैके रोई ना, ठीक है। चलो फ्लो कंट्रोल देखें, दैट हाउ डिवाइसेस एंश्योर द फ्लो कंट्रोल, सो इन केस ऑफ सीक्वेंसिंग द डिवाइसेस वर एक्चुअली एंश्योरिंग द एमटीयू साइज, बट इन केस ऑफ फ्लो कंट्रोल दे आर एंश्योरिंग द बफर स्पेस। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देख लो यार किस तरीके से फ्लो कंट्रोल चीज होती है, देखो इतनी भी चीज ही बोरिंग नहीं है, तुम लोग ज्यादा बोरिंग महसूस करवा रहे हो उसको।
देखो मेरे पास एक वो टॉपिक भी था, तुम लोग तो खैर नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो, तो तुम लोगों ने तो इंजीनियरिंग में पढ़ी ही नहीं है चीजें, पढ़ ली होती ना तो तुम्हें पता चल जाता वो ऐसे मॉडल कैसे पढ़ाया जाता है। या आप सर आपने पढ़ा था कभी ग्रेजुएशन में अपना? हाँ ऐसे पढ़ाया जाता भाई, सब हो गया, कुछ नहीं पता चलता, तुम्हें रट जाते हो उस चीजें। वैसे पढ़ा भी सकता हूँ मैं, इंटरेस्ट फिर हो जाएगा खत्म जल्दी, फिर बोलोगे सर समझ में तो कुछ आया नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे एक PC1 अज्यूम कर लेते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ PC1 ने एक डेटा जनरेट करा और उसको ना उसने डिवाइड कर दिया मान लो 11 सेगमेंट्स में, तीन चार पाँच कितने हो गए, चार हो गए, पांच छ सात आठ नौ दस बन गए, ठीक, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस 11 12, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो इसका बफर स्पेस है ना वो सिर्फ 3 ही सेगमेंट का है, ठीक है। अब हम ये इंश्योर कर रहे हैं दैट कितने अमाउंट में, मतलब वो कितना डेटा एक बार में मैं उसको भेजूं ताकि वो प्रोसेस कर ले, ठीक है ठीक है। अब मैं ये चीज बता रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, हर बार बफर स्पेस चेक नहीं होता, हर बार एम्प्टी स्पेस पे, मतलब ये नहीं कि हर बार मैं वही काम करता रहूंगा, बार बार एक ही बार होगा और स्टार्टिंग में होगा। स्टार्टिंग में देखो मान लो अभी PC1 और PC2 की डेटा फॉरवर्डिंग होनी है, उस टाइम पे देखो वो कैसे इंश्योर करता है मैं उसको कितना डेटा भेजू बफर स्पेस। सबसे पहले ना PC1 PC2 को ना इसने एक सेगमेंट भेजा, ये कहाँ पे आया, इसके बफर स्पेस में, बफर स्पेस में आया। अब PC2 ने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, PC2 उसको क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजेगा, टू, मतलब वो ये बोलेगा यार मेरे को वन मिल गया अब मेरे को टू भेजो, समझ में आ रहा है, सीक्वेंस नंबर लिखा होता है ना उसमें, ठीक है। अब देखो तब तक इसने टू के एक्नॉलेजमेंट गई, इसने ये प्रोसेस कर दिया, बफर स्पेस हो गया क्या फिर से खाली हो गया, बफर स्पेस फिर से क्योंकि उसको प्रोसेस कर दिया ना उसने। अब जब तक ये PC2 देखो अब क्या करेगा, PC2 कहेगा यार मैंने अभी ना स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यार मैंने इसको ना अभी ना एक पैकेट फॉरवर्ड किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेट मी ट्राई, इसका हो सकता है बफर स्पेस और बढ़ाओ। अब की बार आपका PC2 क्या करेगा, इसको उसने मांगा एक, ये भेजेगा दो, दो और तीन, ठीक है, दो यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया। अब PC2 क्या करेगा यार, उसकी तो अभी कैपेबिलिटीज है ना, तो PC2 इसको रिप्लाई कर देगा विद द एक्नॉलेजमेंट मैसेज कि अब की बार मेरे को भेज दो यार तुम चार और पांच। अब जब तक इसने क्या करा, आपके पीसी ने, इस PC2 ने इनको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके जो भी करना था करवा दिया, बफर स्पेस फिर से खाली। अब जब PC3 के पास एक्नॉलेजमेंट आ गया, PC2 कहेगा वायर मैंने अभी दो भेजा था दोनों इसने एक्सेप्ट कर लिया, बड़ा आया इसका और बफर स्पेस। अब की बार PC2 ने भेज दिए तीन चार पांच छ, चार यहाँ पे आया पांच यहाँ छह। अब PC2 ने क्या करा, भेज दिया मेरे को भेज दो सात आठ नौ, बात समझ में आ रही है। अब तब तक क्या हुआ, जब तक एक्नॉलेजमेंट गए ये प्रोसेस हो गए, बफर स्पेस फिर से खाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब PC1 क्या कहेगा, वाह यार मैंने अभी तो इसको तीन भेजे, इसने वो भी एक्सेप्ट, आपके बारे में चार भेजूंगा, भेज दिए सात आठ नौ दस, तो इसने सात एक्सेप्ट किया, आठ एक्सेप्ट किया, नौ करा, दसवा क्या हो गया, ड्रॉप। अब जब ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट पता क्या बोलेगा, मेरे को भेज दो दस ग्यारह बारह। अब PC1 क्या कहेगा, है भाई ये क्या हुआ, मैंने तो पहले इसको 10 भी भेज दिया था, ये 10 फिर से मांग रहा, मतलब क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, और तीन ही सीक्वेंस है, मतलब इसका बफर स्पेस 3 सेगमेंट का है। तो हर बार अब इसको PC1 PC2 तीन तीन सेगमेंट करके भेजेगा, दिस इज हाउ दे आर इंश्योरिंग द बफर स्पेस, एंड दिस कंप्लीट सिनेरियो दे हाउ दे आर डूइंग इट, दिस इज कॉल्ड विंडोइंग टेक्निक, दिस इज कॉल्ड विंडोइंग टेक्निक, क्लियर गाइस। अब इसके अब एक और टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड रेडी और नॉट रेडी सिग्नल, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है। अब ये क्यों हो चुका है, रिचर्ड डेल जब बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्यों हो गया, क्यों होता है, अब ऑब्सोलीट क्यों हो गया, ये आज की डेट में विंडोइंग टेक्निक यूज होती है, रेडी एंड नॉट रेडी सिग्नल का भी कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना, दो या तीन पैराग्राफ में सारी चीजें एक्सप्लेन लिखी हुई है रेडी नॉट रेडी सिग्नल, डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो भाई पढ़ लो, वरना तो तुम्हारी मर्जी है। ओके क्लियर, खत्म ही है वही है TCP, तो टेंशन मत लो, अब 5 मिनट बैठो खत्म है TCP। अब फोर्थ चीज मैंने आपको क्या बताई थी, एक्नॉलेजमेंट बताई थी आपको, फोर्थ चीज देखो आप वो देखो कनेक्शन ओरिएंटेड, एक्नॉलेजमेंट हर केस में वापस मिली है, सीक्वेंसिंग एक्नॉलेजमेंट वापस मिल रही थी हर बार, फ्लो कंट्रोल एक्नॉलेजमेंट हर बार, एक्नॉलेजमेंट हर बार मिल रही है ना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, इवन जब डेट यूजर का डेटा फॉरवर्ड हो रहा है तो हर बार एक्नॉलेजमेंट वापस मिल रही है। मैंने बोला कि यार हाय, तुम बोलोगे हाय, फिर बोलो कैसे हो, तुम मेरे से बोलोगे सर ठीक हूँ, मतलब हर बार मुझे प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, दिस इज एक्नॉलेजमेंट, मतलब मेरा अगर कोई कहीं पे डेटा ड्रॉप होता है
बाई चांस मान लो, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी नहीं, नहीं मिली तो मुझे पता चल जाएगा उसके पास लगता है डेटा पहुंचने में, फिर से भेजूंगा उसे। फोन पे हम क्या करते हैं, मैं हेलो बोला, मेरे माँ भाई वहां से हेलो मेरे को सुनाई नहीं दी, तो मेरे को क्या लगे भाई उसके पास पहुंचे नहीं अभी मेरी हेलो, फिर से मैं बोलूंगा हेलो, जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट सामने वाले एंड से मिलेगी नहीं तब तक। दिस इज वी आर इंश्योर इन दिस थिंग। अब इवन फोन पे बात करता हूँ, अब बताया जा रहा हूँ अपनी अपनी बातें, फिर सामने वाला बोलता रहता है तो वो बोलना बंद कर दूंगा, हेलो भाई है ना वहां पे, होता है ना ये चीज, क्या कर रहे हो तुम लोग, वही तो कर रहे हो यार, एक्नॉलेजमेंट वापस दे रहे हो उसे। फिफ्थ चीज क्या थी, कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग। अब जो मैंने आपको सेशन लेयर पे कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग बताया ना दोस्तों, एग्जैक्टली सेम है। अब ये ना ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर मिलके काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर कभी अकेला काम नहीं करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द सेशन लेयर वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क, क्लियर। अब फिर इंटरव्यू में पूछता है कि यार ये सेशन लेयर और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डिस्कस करूंगा व्हेन वी विल मूव इनटू द राउटिंग पार्ट, तब चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अभी मैं बोलूंगा हेलो पैकेट नाम की कुछ चीज होती है, वो सेशन लेयर आपकी वो देखती है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो नहीं देखती, तो आपको अभी समझ में आएगा नहीं। सो जब मैं राउटिंग पढ़ाऊंगा तब इस चीज का जिक्र कर दूंगी दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। अभी के लिए दोनों की फंक्शनिंग है अपनी अपनी सेपरेट फंक्शनिंग है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क्स सेशन लेयर वर्क्स टुगेदर विद द ट्रांसपोर्ट लेयर टू परफॉर्म ऑल ऑफ हिज फंक्शनिंग, क्लियर है ये चीजें, डन। दूसरा क्या था, यूडीपी है ना, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब मैंने आपको बताया था ये अनरिलायबल डिलीवरी के लिए यूज होता है, तो इसके भी रीजंस हैं। अब इसके रीजन बहुत ही सिंपल है, क्या नो कनेक्शन ओरिएंटेड, ये चेक करेगा ही नहीं कि सामने वाले के साथ मेरा कनेक्शन बना या नहीं बना, नो सीक्वेंसिंग। थर्ड, नो फ्लो कंट्रोल, नो एक्नॉलेजमेंट, देखो यार कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग तो हो गया, इतना बुरा है लेकिन इतना भी नहीं है कि यार किसी का डेटा किसी को भी पहुंचा दे, इतना भी बुरा नहीं है, कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसमें। बस एक चीज और है, एक एडवांसमेंट है यूडीपी के टीसीपी से, दैट इट इज फास्ट। अब जब ये कुछ करेगा नहीं तो यार क्या करना है, वहां पर वो इतना सारा प्रोसेस कर रहा है तो उसको कुछ तो टाइम लगेगा ना, इसको वो ये सारी चीजें करेगा ही नहीं, दैट इज वाई इट इज फास्ट। अब तुम बात करोगे सर यूडीपी कहाँ यूज होता होगा, यूडीपी भी यूज होता है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा कल, ठीक है, आज एंड कर रहा हूँ सेशन का, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या करना है, नेटवर्क लेयर, मेरे को एक बार याद दिलाना सर यूडीपी का, एक बार आप एग्जाम्पल बताना रियल लाइफ, बताऊंगा, नहीं तो अगर तुम रिचर्ड डिल पढ़ लोगे तुम्हें पता चल जाएगा, रिचर्ड डिल पढ़ लेना, बहुत अच्छा सा ओएसएम मॉडल दिया हुआ, ठीक है। कल कराऊंगा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रस्ट मी गाइस कोई थ्योरी है ही नहीं उसमें, बहुत बहुत ना के बराबर थ्योरी है। देन सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा, फिर कल हम पढ़ेंगे टीसीपी हेडर, यूडीपी हेडर, अभी तो मैंने सिर्फ टीसीपी बताया, टीसीपी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है सारी चीज दिखाऊंगा, फिर आईपी हेडर, फिर आपका पढ़ेंगे हम ईथरनेट हेडर, फाइनली हमारा ओएसएम मॉडल हो जाएगा खत्म, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।